कलेजा थाम कर बैठो विजय, देखते जाना आज जीत मेरी ही होगी। विजय की डिक्शनरी में हार का शब्द है ही नहीं प्राणलाल। अच्छा, अगर नहीं है तो आज प्राणलाल लिख देगा। हम बेहतरीन दोस्त हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ यार के हम अपनी दोस्ती की हदों को पार करके और आगे बढ़ जाएं। दोस्ती की हदों को पार करके? साफ साफ बताना क्या कहना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ विजय कि दोस्ती को रिश्तेदारी की जंजीरों में बांध कर और मजबूत कर लिया जाए। तो ये पहेलियां मत बुझा, मतलब की बात करना। यही कि तुम्हारी ये खूबसूरत नन्नी सी गुड़िया सी बहन है और मेरा एक हैंडसम और एक बेटा है जो कल ही अजमेर से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस लौट रहा है। उसके आते ही मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा, फिर तुम उसे अच्छी तरह से देख लेना। देखने की क्या जरूरत है प्राण, लेकिन जरा वक्त लगेगा। तुम तो जानते हो शोभा बेंगलोर में पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई खत्म करने के लिए कम से कम एक साल तो लगेगा। नो प्रॉब्लम, पढ़ाई खत्म हो जाने दो पहले। ठीक है, उसे आ जाने दो, मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन एक बात सुन लो, वो अपने भाई को भगवान से भी बड़ा दर्जा देती है, मेरी किसी बात को नहीं टालती। और तुम भी एक बार अपने बेटे से तो पूछ लो। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता पूछने का। हम दोस्तों की तरह अपने बच्चों की आदतें भी आपस में मिलती जुलती है। अच्छा। मेरा बेटा भी अपने बाप के हुक्म को अपना धर्म समझता है। माधव सिंह, एक जमाने में मेरे बाप के भी 999 जहाज पानी में चलते थे। अच्छा, पानी में? और क्या? अच्छा क्या? और मेरा बाप मोहब्बत के समंदर में डुबकियां लगाया करता था। हाँ? एक दिन तूफान आया, सब कुछ बह गया, एक साइकिल तक नहीं बची, इसलिए नौकरी करनी पड़ी। मतलब जरूरत क्या? अरे लगता साहब आ गए, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बात तो बंद करता हूं। हां गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है फेरेला? बस आपके प्यार की कृपा है सर। ये तेरी नाक नहीं लाल क्यों? सर लाल तो मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, प्यारे लाल। मेरी सर्दी जाती नहीं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का सेशन हो, सर्दी के बादल मेरे नाक पे हमेशा छाए रहते हैं। सिर्फ नाक हल्का हो गया सर, हल्का हो गया। सर मेरी आधी तनख्वाह तो रुमाल खरीदने में चली जाती है। वेलकम टू योर शिप सर। आर यू फाइन सर? सब ठीक है ना? योर शिप इज एक्सीलेंट सर। ये शिप मेरा ही नहीं, आप सबका है। इसे औलाद की तरह प्यार करना, ये जिंदगी भर तुम्हारे साथ वफादारी करेगा। Definitely, sir. Hey, क्या फेंक रहे तुम? पानी में क्या फेंका तुमने? कौन है तुम लोग? ये क्या हो रहा है? किसकी बोट है? क्या माल स्मगल करके भेजा यहाँ से? किसके हाथ में तुम? खामोश क्यों? मुझे जवाब चाहिए। तुम मत मारिए मालिक, मालिक मत मारिए। मैं बताता हूँ, उस बॉक्स में अफीम थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर छोड़ दीजिए। कैप्टन, ऐसे लोगों को मेरे शिप पर कैसे रखा तुमने? मैंने खुद नहीं रखा सर, आप ही ने सिफारिश की थी। मैंने? जी हाँ सर, इन्हें आपके दोस्त प्राणलाल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था। लेकिन आपने बिना कोई छानबीन किए और इंटरव्यू लिए बगैर रखने को कहा और हमने रख लिया सर। साफ साफ बताओ, मेरे जहाज पर ये स्मगलिंग का धंधा कब से चल रहा है? और प्राणलाल जैसे शरीफ आदमी की सिफारिश तुम लोगों ने कैसे हासिल की? बताओ, बताओ, तुम्हारी खाल देख दूंगा। बताओ, बताओ, जल्दी बताओ। आपके जहाज पर हम लोग काफी दिनों से अफीम की स्मगलिंग कर रहे हैं और स्मगलिंग के लिए प्राणलाल साहब ने हमें यहाँ रखवाया था। बकवास मत करो। प्राणलाल जैसे शरीफ और बाइज्जत आदमी को बदनाम करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बताओ कौन है तुम? सर हम लोग समझते थे कि आप दोनों दोस्त हैं और आप दोनों मिलकर ही स्मगलिंग करते होंगे, इसीलिए हमने यहाँ नौकरी कर ली। मैंने अपना खून पसीना बहाकर ईमानदारी की इमारत को खड़ा किया। तुम लोग अफीम और चर्च का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ रहे हो। मैं तुम्हारा हलक चीर कर तुम्हारी जबान अलग कर दूंगा। मुझे लगता है ये प्राणलाल साहब का ही काम है। उन्होंने आपकी दोस्ती का सहारा लेकर और आपकी ईमानदारी का फायदा उठाकर यहाँ पर स्मगलिंग चालू करवा दी, ये सोचकर कि आप पर तो कोई शक ही नहीं कर सकता। बिल्कुल सही सर। शायद तुम ठीक कह रहे हो प्राणलाल। अगर प्राणलाल ने ऐसा किया है तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे
कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हेलो विजय, अरे भाई क्या बात है, तुम एकदम और अर्जेंट मुझसे मिलना चाहते थे, भारी तो है। मैं आज तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। अच्छा, और मैं जो तुम्हें एक ऐसी जबरदस्त सरप्राइज देने वाला हूँ जिसे देखते ही तुम खुशी से पागल हो जाओगे। अमर, अमर बेटे अंदर आ जाओ। नमस्ते। यह है मेरा बेटा अमर, जो कल ही अजमेर से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस लौटा है। क्यों है ना जबरदस्त सरप्राइज? इस बेचारे की खुशकिस्मती को भी तुमने चार चांद लगा दिए। थैंक यू। अरे भाई हाँ, वो तुम्हारी खुशखबरी का क्या हुआ जो तुम हमें सुनाने वाले थे? डोंट बी इंपेशेंट प्राण। अरे लाल, ये कौन है दोनों? कौन है? अरे अपने कुत्तों को नहीं पहचानते? इन्हें बतौर मैकेनिक तुमने मेरे शिप पर नौकरी दिलवाई थी, और जो मैकेनिक की वर्दी पहनकर तुम्हारे लिए अफीम की स्मगलिंग करते रहे। क्या? अफीम स्मगलिंग? और मैं? नहीं नहीं विजय, ये झूठ है, सरासर इल्जाम है मुझ पर। झूठे अल्फाजों के पर्दे से अपने गुनाहों को ढांकने की कोशिश मत करो। तुम्हारे गुनाहगार चेहरे से पर्दा उठ चुका है। तुम्हारी घिनौनी सूरत मेरे सामने है प्राणलाल। मैंने तुझे अपना दोस्त ही नहीं अपना भाई समझा था। तुमसे अपने संबंध मजबूत करने के लिए मैंने अपनी इकलौती बहन का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करना चाहा, मगर तूने मेरी पीठ पर चूहा घोंपा है। तो मेरी तकदीर अच्छी थी जो वक्त से पहले तुम्हारी असलियत का पता चल गया। लेकिन विजय मैं खामोश। अपनी गंदी जबान पर मेरा नाम दोबारा फिर मत लाना। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि आज तक मैं तेरे जैसे देशद्रोही गद्दार को अपना दोस्त कहता रहा। ये सब क्या है डैडी? बात दरअसल ये है बेटे, ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ कि तेरा बाप क्या है। ये बहुत बड़ा स्मगलर है, कानून का दुश्मन है, बेईमान है। दौलत की दुनिया में तो ये बहुत बड़ा आदमी है, मगर बेईमानी की दुनिया में ये बहुत बड़ा शैतान है। बस मुझे बस, बहुत बोल चुके हो तुम। अब अपनी जबान पर काबू रखो। मुझसे दोस्ती करके शर्म तुम्हें नहीं, मुझे आनी चाहिए। अगर तुम अपने आप को दौलतमंद समझते हो तो तुम जैसे बीसियों दौलतमंदों को मैं अपनी जेब में रखता हूँ। और जहां तक ईमानदारी का ताल्लुक है, उसकी दौलतमंदों की दुनिया में कोई कीमत नहीं होती। वहां सिर्फ बेईमानी का सिक्का चलता है, ईमानदारी को खोटे सिक्के की तरह ठोकर मारकर फेंक दिया जाता है। समझ गए? सुन रहे हो बरखुर, आपके पिताजी अपनी जबान से अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं। इन्होंने अपने मन के गंदे आईने में अपनी तस्वीर देखकर इस बात का अंदाजा लगा लिया है कि दुनिया का हर अमीर आदमी इनके चरित्र की तरह नीच और गंदा है। ये अंधे हो गए हैं, ये नहीं जानते कुछ लोग अपनी मेहनत, मुशक्कत और ईमानदारी के बलबूते पर तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचते हैं, और कुछ ऐसे लालची लोग हवस के कुत्ते जिनकी तिजोरियां तो भर जाती है मगर गंदी नीयत नहीं भरती, और गलत रास्तों पर अपना मुंह काला करते फिरते हैं। एक बात सुन लो प्रणाल, आज के बाद तुम्हारे मेरे तमाम रिश्ते खत्म। अपनी गंदी सूरत लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। और हाँ, एक बात और सुन लो, अब किसी ने मेरे जहाज पर स्मगलिंग तो एक तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंख नोच लूंगा। अगर फिर मेरे सामने आए तो मैं तुम लोगों को जिंदा जला दूंगा। अरे इसकी बहन क्या चीज है, मैं तेरे लिए हजारों राजकुमारियों को रिश्तेदारी में लगा दूंगा। तेरा बाप कोई मामूली आदमी नहीं है। चलो बेटे, मुफ्त छोड़ो, जाओ अपने चोर बाप के साथ। मालिक, छोटे सरकार। क्या मालिक, मैं अपनी जबान से कुछ नहीं कह सकता मालिक, आप खुद चल के देखिए। क्या आइए मालिक, आइए। अरे क्या हुआ मालिक? तेरे सिवा दुनिया में मेरा है ही और कौन?
पिताजी, मैंने बचपन से अपने दिल में आपकी एक महान इंसान जैसी तस्वीर बना रखी थी। मैं हमेशा सोचा करता था कि मेरा बाप एक बहुत ही इज्जतदार, शरीफ और नाम वाला इंसान है, मगर आपकी असलियत की एक ठोकर ने मेरे सपनों के शीशे को चकनाचूर कर दिया। मुझे अपनी जिंदगी से घिन आने लगी। मैं एक गरीब इज्जतदार बाप का बेटा बनकर खुशी खुशी जी सकता था, मगर वतन फरोश, स्मगलर, गैर कानूनी काम करने वाले बाप की औलाद बनकर नहीं जी सकता। इसलिए मैं मजबूरन इस घिनौनी जिंदगी का खात्मा कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरी मौत से आपको बहुत दुख होगा, मगर मैं क्षमा मांगते हुए इस दुनिया से हमेशा के लिए जाने की इजाजत चाहता हूँ। फक्त आपका बदनसीब बेटा अमर। मेरा बेटा मरा नहीं है, तूने उसे मार दिया है। मेरे खिलाफ बेटे की मौत का जिम्मेदार तू है। मैं तुझसे वो बदल लूंगा कि तेरी जिंदगी का हर दिन मौत और बेइज्जती के रंग में डूबा हुआ होगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा विजय, आज से मेरा इंतकाम शुरू। मैं बच्ची को नहीं बचा सकी। कब तक तू हमारी परीक्षा लेती रहेगी माँ? दो बार तूने मुझे माँ बनने का अवसर दिया, लेकिन एक बार भी मैं अपने बच्चे की सूरत नहीं देख पाई। पैदा होने से पहले तूने उसे हमसे छीन लिया। माँ, हम तो हमेशा तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर ही चलते आए हैं। अगर अनजाने में कोई भूल हो गई हो, उसकी सजा हमें दे दो मां, हमारी संतान को नहीं। Look,
जीने के मजे ले लो, अभी खेलने खाने के दिन दिल को मत कर कच्चा, अभी तो तू बच्ची लगती है, मैं बच्चों में बच्चा। अभी खेलने खाने के दिन दिल को मत कर कच्चा, अभी तो तू बच्ची लगती है, मैं बच्चों में बच्चा। बच्चे लोग मेरे साथ गाओ, अंगना ही लेला रास्ता ही लेला, मारे जब तू ठुमका तो मोहल्ला ही लेला। अंगना ही लेला रास्ता ही लेला, मारे जब तू ठुमका तो मोहल्ला ही लेला। जलेला वो सर, मैं जरा बौखला गया था। मैं आपको एक बहुत जरूरी बात याद दिलवाने आया हूँ। कैसी बात? आज 15 तारीख है तो, और आज आपको कृष्णा आइलैंड जाना है। हटाते हैं जी, हटाता हूं। वेलकम मिस्टर विजय, वेलकम। मेरा एक जमाने का सबसे गहरा दोस्त और आज के जमाने का सबसे गहरा दुश्मन विजय, यहां से तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी डिक्शनरी में हार का लफ्ज नहीं लिखा है, लेकिन आज मैंने तुम्हारी जिंदगी की डिक्शनरी में हार का लफ्ज लिख दिया है। आज तक तुम्हें इतनी बुरी तरह से किसी ने लाकर ठोकर में नहीं फेंका होगा, लेकिन मैंने आज फेंक दिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे कलाते नौजवान बेटे की मौत का सबब हो। उसकी मौत का सबब मैं नहीं, तू है। तू? मैं नहीं, तू है। उस दिन तूने मेरे बेटे के सामने मेरा अपमान किया, वो उस अपमान को नहीं सह सका और उसने अपने गले में फांसी का फंदा डालकर अपनी जान दे दी। कुत्ते मगरमच्छ के आंसू मत बहा, तू अच्छी तरह जानता है तेरा बेटा क्यों मरा है। वो खैरतमंद बेटा तेरे जैसे घटिया बदकार बदचलन बाप की हरकतें देखकर जान दे बैठा। मरने तो तुझे चाहिए था साले, जो आज तक जिंदा है। तुझे मारने के लिए जिंदा हूँ। कुत्ते की मौत एक ही झटके में तेरी गर्दन टूट जाएगी और सांप की कटी हुई तुम की तरह फड़ फड़ा कर तू ठंडा पड़ जाएगा। तब तब कहीं जाकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। देख उधर देख, ले जाओ इसे। सर ले जाओ, मैं कहता हूँ ले जाओ।
सल्तनत का सुल्तान, अपने जाती कानून की अदालत का जज, तुम्हारे लिए सजाए मौत का ऐलान करता हूं। इसे तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी सांस की आखिरी डोर न टूट जाए। नहीं, नहीं। सुल्तान बिन सुल्तान, आज तेरे ही सल्तनत में, तेरे ही रियाय के सामने हम तुम्हें सजाए मौत देते हैं। ओहो, बदनसीब हो, हाथ से ही मरोगे। पकड़ो इसे। भिखारी, तूने मुझे भिखारी बना दिया है। रोज सुबह शाम तेरे घर पे आके मुझे किराए की भीख मांगनी पड़ती है। किराया दे वरना मकान खाली कर। बस बस, यही बस दिया सर। यही ऊपर रहता है ना? सेठ जी, मुझे एक हफ्ते का वक्त दीजिए, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाएगी। नौकरी मिलते ही मैं आपका पैसा अदा कर दूं। आज सीधी तरह तू पैसे लौटा दे वरना मैं तुझे और तेरे सामान दोनों को उठा के फेंक। शुक्रिया। आदाब सर, अजीब आदमी आप, उस शराफत से पेश आ रहा है, आप बदतमीज भी उतरे हैं। आप हाथ लगे सामान को हाथ तोड़ दूंगा आपके। पर साहब, आप इस छोटी सी बस्ती में कैसे? कैसे आ गए? हम बड़े जज्बाती आदमी हैं, हमारी नजरों से कोई भले ओझल हो जाए लेकिन कोई हमारे दिल से ओझल नहीं हो सकता। लेकिन उस दिन तुम इस तरह ओझल हो गए कि हम तुम्हारा नाम तक नहीं पूछ सके। सर, मेरा नाम जैकिशन है, प्यार से लोग मुझे जैकी कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है। मीट माय वाइफ। नमस्ते जी। नमस्ते। हमारी तरफ से ये छोटा सा नजराना कबूल कर लीजिए। ये क्या? आपके लिए इसकी कीमत कुछ नहीं होगी साहब, पर मेरे लिए तो ये जिंदगी भर की कमाई है। और वैसे भी मेरे लिए मेहनत का एक रुपया मुफ्त के लाखों रुपए से कहीं ज्यादा है। माफ कीजिएगा, मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। हम साथ देते हैं कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी खुददारी के आगे नहीं झुकी। क्या नाम बताया? जैकी। जैकी, तुम्हें नौकरी की तलाश है ना? जी। हमने तुम्हारे लिए एक नौकरी का इंतजाम किया है और साथ ही साथ अकोमोडेशन भी। अकोमोडेशन मतलब आप हमारे साथ रहेंगे और आप ना नहीं करेंगे।
एक्सक्यूज मी मिस, क्या है जी? आपकी दुआ है। कौन हो तुम? जैकी, मैं तुम्हारा घटिया नाम नहीं पूछ रही हूँ। तुम हो कौन जो रोड साइड रोमियो की तरह मुस्कुरा रहे हो? वैसे आपको किसकी तलाश है? तुमसे मतलब? एक तो वो इडियट बेवकूफ ड्राइवर नहीं आया, ऊपर से तुम। जी मैं वही आपका बेवकूफ इडियट नालायक ड्राइवर ही हूँ। व्हाट? तुम हमारे नए ड्राइवर हो? लेकिन तुमने ड्राइवर का यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? तुम्हें पता नहीं मेरे भैया यूनिफॉर्म और रसूल के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और मैं उनसे भी ज्यादा सख्त हूँ। जी वो तो नजर आ रहा है। व्हाट? अरे जी मेरा मतलब है कि आप बहुत सख्त हैं, ये आपकी बातों से ही मालूम पड़ता है। आप बकवास बंद करो और जल्दी से सामान डिक्की में रख के जल्दी घर ले चलो। जी जो हुक्म मैम साहब। कपड़े ही है ना? पत्थर है पत्थर। हाँ वैसे लगता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते। मौसी जी, ड्राइवर गाड़ी चला रहे हो खटा रहा। लगता है नई नई ड्राइविंग सीखी है। पता नहीं भैया को भी क्या हो गया जो तुम जैसे इडियट को ड्राइवर रख लिया। तो क्या करूं मिस जी? तेज चला, तेज तेज। मजा आ गया मिस जी। गाड़ी इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत थी? अरे आप ही ने तो कहा था तेज चलाने के लिए मिस जी। बकवास बंद करो और बाथरूम में आके बैठो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ गाड़ी किस तरह चलाई जाती है। इडियट। ये इडियट आपका तकिया कलम है मैडम? शाबाश, देखता हूँ कैसे गाड़ी चलाती। अरे अरे मैडम, अरे जी, वाह मिस जी वाह, क्या गाड़ी चलाती है। वाह। Shut up, you idiot! Get up! Oh. Abhi! Are kahan ho? Are Shobha! Kaise ho? Achhi ho. Are, ye to flat ho gaya. Kahan hai? Munna hai, Munni hai. Bhabhi batao na mera bachcha kahan hai? Mujhe to na main se chum chum kar uska mun lal kar dungi. Batao na bhabhi kahan hai mera bachcha? Uff, kya bataun tujhe? देखो भाभी बहाना बनाने की कोशिश मत करो। भैया ने मुझे 50 बार फोन करके कहा है कि शोभा तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी भाभी तीसरी बार माँ बनने वाली है, और डॉक्टर ने कहा है इस बार बच्चा जरूर होगा। मैं आंटी बनने वाली हूँ भाभी, मैं खुशी से पागल हो गई। एग्जाम खत्म होते ही मैं भाग कर चली आई। बताना मेरा बच्चा का, मुझे बच्चा चाहिए। शोभा ऐसी कोई बात नहीं थी, तेरे भैया ने तेरे साथ मजाक किया होगा। ये भी कोई मजाक करने का टॉपिक है भाभी? नाराज हो गई? देख शोभा, हमने तुझे औलाद की तरह बल्कि औलाद से बढ़कर समझा है, फिर हमें औलाद की क्या जरूरत है? भाभी मैं तुम्हें माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन भैया ने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? मैं भैया को नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरी नन्नी नन्नी प्यारी प्यारी छोनी छोनी गुड़िया शोभा आ गई। डार्लिंग आ गई तू। तुमने बिना देखे पहचान लिया कि मैं हूँ? जिस दिन तू माँ बनेगी ना उस दिन पता चलेगा कि अपनों को पहचानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, खुशबू की जरूरत पड़ती है। हम तो मीलों मीलों दूर से सुनकर बता देंगे कि हमारी बिल्ली सी बहनियाँ आ रही है। And now my sweet sweet kitty on your left girl. And now on mine. शोभा द ग्रेट, ये बताओ एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम एग्जाम सब ठीक रहा, मगर भैया आज मेरा मूड बहुत खराब है। तेरा मूड खराब है? जरा बताओ किसने मूड खराब किया? उसका कान काट के हम तेरे हाथ में दे देंगे। तो लाओ अपना कान काट कर मेरे हाथ में दे दो। मैंने तेरा मूड कैसे खराब किया? बिल्कुल, तुमने मुझे टेलीफोन पर झूठ बोल बोल कर बेवकूफ क्यों बनाया? क्या भाभी प्रेग्नेंट है, बहुत जल्दी इस घर में एक बच्चे की प्यारी प्यारी आवाज गूंजेगी। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? बात यह है शोभा के, दरअसल क्या हुआ शोभा, मैंने सोचा एग्जाम के बाद तुम जल्दी घर नहीं होगी, इसलिए मैंने ये खुशखबरी सुना दी और तुम चली आई कि नहीं। भैया आप शोभा अभी तो बाहर से आई है ना, पहले नहा धो ले फिर आराम से बातें करेंगे। चल भाभी चल ना। तुम फिर यहाँ? भैया आपने किस इडियट को ड्राइवर रख लिया? इडियट में तमीज है ना ही मेहनत है, इसे फौरन निकाल दीजिए प्लीज। डिसमिस इट एट वंस। कूल डाउन डार्लिंग, प्लीज कूल डाउन। ये ड्राइवर नहीं है, इसका नाम जैकी है और हम पैसे से जैकी कहते हैं, हमारी शिपिंग कंपनी में मैनेजर है। और मुझे दुलार से दुलारे मतलब प्यारे लाल कहते हैं, प्यारे लाल भी है। घूम जाओ प्यारे लाल। नहीं नहीं, वो बजाने वाले नहीं। ये मैनेजर है?
रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं? सर कोई गड़बड़ नहीं, मैंने तो सिर्फ इनकी तारीफ की कि ये बहुत अच्छा गाड़ी चला लेती हैं, और ये तारीफ सुन के नाराज ही हो गई। ये गाड़ी चला लेती है? अरे चला लेती है, ऐसा चला लेती है कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। आपने गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं आपको स्पोर्ट्स कार लेते तो आप उसे चलाते चलाते गुस्सा ठंडा कर लीजिएगा। तुम ऑफिस जाओ। नमस्कार। वो दारू का कहाँ है? यही पड़े लगा साहब, ढूंढो कहीं पीपा के पड़े लगा। दारू का? दारू का? Come in. दारुका? Come in. तुम इस बॉक्स में क्या कर रहे हो दारुका? मैं गम से तंग आके ड्रम में बैठ गया हूँ सर। अरे तुमने फिर ड्यूटी पे दारू पी ली? मैं ड्यूटी पे किधर पी रहा हूँ सर, मैं ड्रम में बैठ के पी रहा हूँ। तुमने मुझसे कल क्या वादा किया था कि तुम दारू नहीं पियोगे? मेरा कल याद नहीं तो वादा किधर से याद रहेगा साहब? देखो दारुका, ये तुम्हें आखिरी वार्निंग है, तुम ड्यूटी पे दारू नहीं पियोगे। अरे कैसे नहीं पियूंगा सर, तुम मालूम है डॉक्टर ने क्या बोला था? ए दारुका, तुम परहेज करो, तुम्हें तबीयत खराब है, गलत सलत चीज नहीं खाना। हाँ 10-10 मिनट में दारू पीते रहना, टॉनिक की तरह तबीयत अच्छी रहेगी। मालूम झूठ बोलते हो तुम। नहीं साहब, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? झूठ तो बोलता है जिसने जिंदगी में कभी सच बोला हो, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसी बेहुदा सलाह नहीं दे सकता। हाँ तो वही दुनिया का डॉक्टर है भी नहीं। खामोश, अगर तुम दारू नहीं छोड़ सकते तो काम छोड़ दो और आज के बाद घर पे बैठे रहो और पीते रहो। अरे दारू का क्या हुआ? अरे क्यों रो रहा है? अरे बेवकूफ, कितने कितने सुर में रोता है? ओ क्या हुआ, हुआ क्या? अरे मेरे भाई हुआ क्या? ये अपना मैनेजर है ना, ये मेरे बोलता है तू घर जा। है? घर जाऊंगा तो दी बोलेगा अरे निकम्मे तू मर जा। अच्छा। मर के जब ऊपर जाऊंगा तो भगवान बोलेगा टाइम से पहले तू ऊपर किधर है, नीचे जा। अच्छा। जब नीचे आऊंगा तो मैनेजर बोलेगा घर जा। अच्छा। जब घर जाऊंगा तो दी बोलेगा। इतना बोलता है, तू बता मैं किधर जाऊं? तू किधर मत जा, तू खाली सुधर जा। किधर जाऊं? सुधर जा, सुधर जा। सुधर यानी किधर? अरे मेरे बाप, सुधर जा का मतलब किसी जगह का नाम नहीं है, तू सुधर जा मतलब ठीक हो जा। नहीं समझा? तू तो बिगड़ने से भी 1000 कदम आगे निकल चुका है। बस अबे अगर यही हाल रहा तो समझ ले नौकरी छूट गई। पर अभी तो मेरी बाटली फूट गई। फूट गई? दारू का? और दारू पिएगा? अरे अच्छी बात है, तू चिंता मत कर, ले ये पैसे ले और तू दूसरी बोतल खरीद ले। ले 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 ले। ये खाली 3 रुपए? 3? अरे 3 नोट है, रुपए 200 है। अच्छा 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 अच्छा, और ले बेटा और ले। मैं रिक्शा में, रिक्शा के लिए तो छोड़। नहीं तो रिक्शा में लटक के पैदल जाना। रिक्शा में लटक के पैदल? तू होश में नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू डट के पी, और जब मैनेजर साहब नहीं हो ना तो इसी ड्रम में घुस के पीते रहना, और फिर होश में मत आना लाला। मतलब तू पीता रह, मैं चलूं? मैं रिक्शा में पैदल? रुपए तो सब ले लिए। पता नहीं ये मेरा बेवड़ा पति कहां जाके पड़ा होगा पीकर। जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, और दिल मेरा ले गई, ले गई, ले गई। जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई, ले गई। क्या है, क्या ढूंढ रहा है? टंगड़ी, मैं पूछने आया था तेरा पति आया कि नहीं। तू मेरे पति को खटिया के नीचे, कोयले के डिब्बे के अंदर, कबाड़ के अंदर किधर किधर घुस के ढूंढता है? नहीं नहीं, ये मेरे दिल की हमदर्दी है जो आटा बनकर मेरे मुंह से टपक रही है, जैसे गेहूं को घुन खा जाता है, जैसे रिश्वत खोर पुलिस पब्लिक को खा जाती है, वैसे ही मुझे तेरा गम खाया जा रहा है। वो बेवड़ा दारू का 24 घंटे गटर में दारू पी के पड़ा रहता है, कपड़े भी खराब करता है और गटर भी खराब करता है, मगर तेरी रत्ती भर भी चिंता नहीं करता, बस यही गम मुझे दिन रात खाए जा रहा है। अरे चिपका कहाँ जा रहा है, हट के बात कर।
मुझे कोई गम गम नहीं है। बहुत गम है मगर तुझे पता नहीं। अरे मेरा दिल करता है कि मैं 24 घंटे तेरे घर की चौखट पे बैठा रहूं और तेरी रक्षा करूं, और जैसे ही गम तेरे करीब आए तो मैं उसको ऐसे पकड़ लूं। ये क्या करता है? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें गम की कहानी सुना रहा हूँ। अगर मुझे गम मिल जाए तो मैं उसको चिमट जाऊँ, उसको ऐसे घुमाऊँ, उसको ऐसे हिलाऊँ। कहानी मैं सुनाऊँ? जब भी गम मिल जाए ना तो उसका ऐसे पकड़ना, फिर अपने सामने करना, अच्छा फिर ऐसे घुसा बनाना और फिर उसको ऐसे फिर ऐसे मस्त। अबे ये तो माने ले साले, तू मेरे को रोज उसी वास्ते पैसे देता था ना? नहीं नहीं, के जा दारू का दारू पी, ताकि उधर दारू का लुढ़क जावे तो तू दारू का की दुलारी पे हाथ पोछ डाले। तेरा बाप का माने तुम्हें बीवी की इज्जत की क्या परवाह है? मर्द अगर दारू पी के गटर में पड़ा रहेगा तो रास्ते का हर चलता फिरता कुत्ता घर में मुंह मारने पहुंच जाएगा। हेलो हेलो मिसेस विजय, मैं प्रणलाल बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति देव का पुराना दोस्त। मैं तुम्हारे पति देव से बात कर सकता हूँ? वो घर पे नहीं है। अफसोस, ये तुम्हारे पति देव की बदकिस्मती है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ मिसेस विजय, मेरी बात ध्यान से सुनो और ये बात अपने पति के कानों तक भी पहुँचा देना। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शोभा अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए बाहर गई है। हालांकि मेरा बेटा मर चुका है, लेकिन मैं अब भी शोभा को अपनी बहू मानता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की आत्मा उसके लिए बहुत तड़प रही है। नीच जलील, तू आग से खेल रहा है। नहीं, बल्कि उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे सीने में सुलग रही है। जैकी। जी भाभी जी। शोभा की जान खतरे में है। क्या? हाँ, जिस आदमी ने मेरे पति को मारने की कोशिश की थी वो अब शोभा की जान का दुश्मन बन गया है। मुझे अभी फोन पर धमकी दी, मैंने शोभा के भैया को फोन लगाया पर वो मिले नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जैकी आप फिक्र मत कीजिए, आखिर मैं भी तो इस घर का मेंबर हूँ, मैं भी वहाँ जाता हूँ। कैसे भी करके शोभा की जान बचा लो जैकी। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। चलती जाओ। टेक इट इजी मैडम। तुम? यस मैडम। तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की? हिम्मत की नहीं जाती, हो जाती है, और ये नाचीज तो हिम्मत के दौलत साथ लेकर इस दुनिया में आया है मैडम। बकवास बंद करो। बकवास शुरू ही नहीं की तो बंद कहाँ से करो मैडम। तुम यहाँ आए कैसे? चलकर है। मेरा मतलब है तुम यहाँ क्यों आए हो? आपके काम से आया हूँ मैडम। मेरे काम से? जी बिल्कुल। शोभा क्या बात है? कौन है ये? ये इडियट हमारे कंपनी का मैनेजर है, काम कम करता है और तंग ज्यादा करता है। ए मिस्टर। बोलो सिस्टर। अपनी हरकतों से बाज आओ वरना। मैंने अभी तक कोई हरकत की नहीं तो बाज कहाँ से आऊँ? तो हुस्न की सरकार, मैं तेरा हूँ पहरेदार।
मन चली कहाँ चली दुनिया है चोर गली कोई उठा के ले जाएगा तुझको बचाने कौन आएगा तो बहुत बुरा होगा मेरे भाई ने तुम पर इतने एहसान किए उसका बदला तुम इस बदतमीजी से दे रहे हो मैं कहती हूँ रुक जाओ आगे मत बढ़ो तो फिर आएगा साले आ तो गया हूँ छिलके आ तो गया लेकिन आज बच के नहीं जाएगा Sorry, Mike. No. Bodyguard!
अब तो यकीन हो गया ना कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ? बिल्कुल। I'm extremely sorry, ma'am. You bloody scoundrel! ये नाटक बहुत पुराना हो चुका मिस्टर। पहली बात तो ये कि मैं उस आदमी को ना जानती हूँ, ना ही मुझे उसकी कोई दुश्मनी है। तो फिर वो मेरा कत्ल करने क्यों आया था? और दूसरी बात, तुम यहाँ ऐन मौके पर कहाँ से आ पहुँचे? मतलब क्या तुम्हारा? मतलब तुम्हारी बेईमानी की तरह बिल्कुल साफ है मिस्टर फ्रॉड। ये सब तुम्हारा ड्रामा था। तुम सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए चाल चल रहे थे जो नाकाम हो गई। कल जब मैं अपने भैया को तुम्हारे करतूतों की कहानी सुनाऊंगी तो तुम जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओगे, समझे? भगवान ने तुम्हें जितनी खूबसूरत शक्ल दी है उससे कहीं ज्यादा बदसूरत अकल भी दी है। तुम एक एहसान फरामोश और बददिमाग किस्म की लड़की हो। अगर तुम्हें अपनी अमीरी पर इतना ही घमंड है तो मैं तुम्हारी अमीरी को अपने जूते के नोक पर मारता हूँ। क्या मारता हूँ? जूते के नोक पर मारता हूँ। अगर तुम्हारी जैसी बदजुबान लड़की इस दुनिया में और पैदा हो जाए तो लोग लड़कियों की इज्जत आबरू बचाते हुए तबाह करेंगे। अगर तुम इसे ड्रामा समझती हो तो कल जाकर अपने भाई को इस ड्रामे की कहानी सुना देना। वो तुम्हें बता देंगे कि सच्चाई क्या है, मैं क्या हूँ और तुम मुझे क्या समझती हो। गुड नाइट। गुड बॉय, गेट लॉस्ट, डोंट एवर कम बैक अगेन। शोभा को इतने बड़े खतरे से बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तूने एक दोस्त का फर्ज निभाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अगर आज मेरी बहन को कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। विजय साहब, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस घर से मुझे कुछ लेना देना है, कुछ कर्ज चुकाना है। जरूर कोई पुराने जमाने का संबंध है, मगर एक बात समझ में नहीं आती, ये प्राणलाल आपके साथ बार बार ऐसी कमीनी हरकत क्यों? भगवान के लिए उसका जिक्र इस घर में कभी मत करना। वेल माय फ्रेंड्स, ये रही दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्राउन शुगर। अगर किसी जहरीले से जहरीले सांप को भी सूंघा दी जाए तो वो महीने भर के लिए बेहोश हो जाता है, तो इंसान क्या चीज है। लेकिन इस माल को हिंदुस्तान से बाहर अपने अपने मुल्कों में ले जाने का काम आप लोगों का है। डोंट वरी मिस्टर प्रॉलो, वो हमारा काम है। लॉरेंस। यस सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मिस्टर माइकल। दारुका, दारुका बाहर निकल। दारू का घर में नहीं है। आवाज बनाकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे बाहर निकल, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। बहुत महंगा है, कौन है? अच्छा, अभी तो तू अंदर से आवाज दे रहा था मैं घर में नहीं हूँ। बराबर है, जब आदमी होश में नहीं होता है तो अपने आप में नहीं होता है, और जब अपने आप में नहीं होता है तो कहीं भी नहीं होता है। जब कहीं भी नहीं होता है तो घर में कैसे? अरे ज्यादा चालाकी मत कर, मारो कर्जो निकाल। कौन सो कर्जो निकाल? मैं तुमको नहीं पहचानता तो तुम्हारे कर्जे को कहां से पहचानूं? पहचानता भी नहीं। अरे दो फटके पड़ेंगे ना तो मेरा क्या, पिछले 7 दिनों का कर्जा याद आ जाएगा। अब तूने देख, मुझसे लिया उधार 5,000, उसके ऊपर ब्याज हो गया 7,000, कुल मिला के हो गए 12,000। अब ये 12,000 अभी और इसी वक्त निकाल दे वरना मैं तेरी हड्डियां तोड़वा दूं। अच्छा तू बात बता, तूने मेरा कर्जा दिया काय को? तूने कर्जा मांगा काय को? मैं तेरी बीवी मांगूंगा, देगा तू? बकवास करता, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हां तोड़ो, ये दौलत वालों को तोड़ने के सिवा आता ही क्या है? गरीब को पहले कर्जा दे के उसकी कमर तोड़ देते हैं, जब वो लौटा नहीं सकता तो मार के मुंह तोड़ देते हैं। ठीक ही तो कह रहे हैं, कहाँ से लौटाएंगे तुम्हारे 12,000 रुपए? अजीज पूरे घर के बर्तन बेचेंगे ना तभी 12 रुपए नहीं मिलेंगे, तो 12,000 कहाँ से लाएंगे? तुम पैसा उधार देते चले गए, वो दारू पीते चले गए, और दारू पी पी के मेरा मर्द बेकार बंदा ठंडा गार हो गया। अपनी बेहुदा जबान को लगाम दो दुलारी, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई उबली हुई चाय की पत्ती नहीं हूँ, तुम्हारा शाल हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ, तुम्हारे सर का ताज हूँ। तुम सर के ताज को पैर में डाल के फुटबॉल कर रही हो। चले जाओ, अगले महीने आना और अपना सारा पैसा मत लेके जाना। कोई अगला अगला महीना नहीं, 2 साल से यही राग अलाप रहे हो। अगले महीने आना और अपने पैसे ले जाना। देखो अब मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगले गुरुवार को ठीक सवेरे 8 बजे अपने इन पहलवानों के साथ मैं यहाँ आऊंगा, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें यहीं पे पटक पटक कर मारूंगा और गदर में फेंक दूंगा, समझे? चलो अरे अंदर जाके क्या करना है, तो ऊपर जाने का टाइम आ गया। अरे तुम ऐसे कैसे लेके जा रही हो? अरे क्या क्या बात है, क्या हुआ? ओह माय गॉड, आज सुबह सुबह इतनी खुश बात क्या है? भैया खुशी क्या, मैं तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। भैया खुशियाँ बनाओ, बैंड बाजे बजाओ। आखिर पता तो चले कि किस बात के लिए बैंड बाजे बजाऊं? बता दूं, भाभी माँ बनने वाली है, 3रा महीना है भैया, 3रा महीना, और 6 महीने के बाद मेरा प्यारा प्यारा मुन्ना आएगा और मैं भूमि बन जाऊंगी।
भैया और सुनो भैया, अब तो मामूली आदमी नहीं रहे, मैं शोभा के होने वाले भतीजे के बाप हो बाप। कंग्रेचुलेशन भैया। ए भैया, क्या इतनी जबरदस्त खुशखबरी सुनने के बाद तुम खुश नहीं हुए? हाँ शोभा, मैं इस खुशखबरी में विश्वास नहीं रखता। लगता है हमारी तकदीर में ये खुशी है ही नहीं। पता नहीं क्यों भगवान उससे तेरी भाभी से अन्याय कर रहा है। ऐसी मायूसी की बातें मत करो भैया, देखना इस बार घर में खुशियां जरूर आएंगी, तुम्हारे सपने पूरे होंगे भैया। भैया को झूठी तसल्ली दे रही है पगली, ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। लगता है मेरे और लक्ष्मी की तकदीर में औलाद का सुख इस जन्म में तो है ही नहीं। ऐसी बातें नहीं करते भैया। अरे पगली, अब तो जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है तेरी जल्दी से शादी हो जाए और फिर जल्दी से तेरी गोद भर जाए। तेरे बच्चों को मैं अपने सीने से लगाकर अपने सारे जख्म भर लूंगा। भैया हेलो। हेलो मिस्टर जैकी, मैं अपना आइलैंड देखने जा रही हूँ, मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। ठीक है, मैं किसी को भेज देता हूँ। मिस जी, किसी को नहीं, तुम खुद आओगे। अगर तुमने मेरा हुक्म मानने से इनकार किया तो मैं अपने भैया से तुम्हारी नाफरमानी की शिकायत कर दूंगी, समझे? आता हूं, अभी आता हूं। अभी ये गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा है। I love you very much. I love you, Jackie. I love you. चाहेंगे तुझको हम, तेरा बदन रूबी, मैं आशिक तेरा बेबी। ब्लो हॉट ब्लो हॉट ब्लो हॉट ब्लो हॉट ब्लो हॉट ब्लो Blow hot, blow hot, blow hot, blow hot.
मैं शर्ते हैं क्या तेरी, कह ले जो कहना है। चाहेंगे तुझको हम, जब तक है दम में दम, चाहेंगे तुझको हम। मेरी ब्यूटी तेरे लिए, तेरा बदन रूबी, मैं आशिक तेरा। सर, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है, शोभा बहन और जैकी साहब एक दूसरे से प्यार करते हैं। What the hell you talking about? होश में हो तुम? दंदु क्या कह रहे हो? सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतने सालों से आपका नमक खाया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और सर, ये मैंने किसी की जबानी नहीं सुना, बल्कि आंखों से देखा। देखो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके सर, तुम जा सकते हो। यस सर। शोभा, जाओ। जी भैया। आजकल तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो, जब तक गाड़ी उठा के घूमते फिरते हो। जानते हो किस भाई की बहन हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या हुआ भैया? जाने दीजिए ना। तुम चुप रहो जी, इसे बिगाड़ने में तुम हो। उभरा हो। तुम नहीं, तुम यही ठहरो। उभरा हो। लगता है आज इस बंगले का टेम्परेचर शहर के टेम्परेचर से भी ज्यादा है। वन टू थ्री। कैसा लगा? इट्स ब्यूटीफुल। भैया कितना खूबसूरत मॉडल है। ये मॉडल नहीं, ये मेरा सपना है जो बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है। ये उस महल का मॉडल है जो मैं अपनी जान से प्यारी राजदुलारी बहन के लिए बनवा रहा हूँ। मेरे लिए? ऑफ कोर्स फॉर यू। क्यों, यकीन नहीं आ रहा? बगले अपने भाई का सीना चीर कर देख, तेरे लिए प्यार ही प्यार भरा है। ये महल क्या, मैं तेरे लिए जान भी कुर्बान कर दूँ। और ये महल मैं तुम्हें शादी के मौके पर बतौर तोहफा दूंगा। ये है टेनिस कोर्ट जहाँ पर तुम और तुम्हारा वो 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 टेनिस खेला करेंगे। अशुभ, ये रहा तुम्हारा बेडरूम। मैं अपनी बहन को इस दुनिया में शहजादियों से भी ज्यादा खूबसूरत जिंदगी बसर करते हुए देखना चाहता हूँ। बस बस बस, जो काम पहले करना है वो तो कीजिए। आए हुए रिश्तों में से जिन लड़कों को आपने पसंद किया उनकी तस्वीरें तो इसे दिखा दीजिए। मैं तो इसे ये मॉडल दिखाते दिखाते असल बात तो भूल ही गया। ये पांच लड़कों की तस्वीरें हैं, पांचों ही बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं। एक से खूबसूरत हैं, जवान हैं, पढ़े लिखे, नेक चलन हैं। इनमें से जो तुझे पसंद है अपनी भाभी को बता दो। लेकिन भैया, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है, बुजुर्गों का कहना है लड़की जात का सही वक्त पर शादी कर देना 10 तीर्थ यात्राओं के पुण्य के बराबर है। इसलिए आराम से बैठकर तस्वीरें देखो। और हाँ सुनो, इन पांचों में से एक का पसंद करना बहुत जरूरी है, हम नहीं नहीं सुनेंगे। ठीक है, मैं आपको अपने पसंद के लड़के की तस्वीर लाकर दिखाती हूँ। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। सिर्फ 5 मिनट में? हाँ, 5 मिनट क्यों, टेक योर टाइम, जिंदगी का सवाल है। हाँ, हम लोग जरा नीचे बैठते हैं, आराम से देखो, आराम से आओ। रसगुल्ला, रसगुल्ला आओ, नीचे आओ। डार्लिंग, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए हमें किसी ने तस्वीरें दिखाई थी। एनीवे,
ये इतना टाइम सिलेक्शन के लिए ले रही है या इलेक्शन के लिए? तुम्हारी बहन है। आ गई आ गई आ गई। इसमें जो आखिरी तस्वीर है वही मेरी पसंद है। Very good. Sorry जगमोहन, sorry मनमोहन, sorry राम लुभाया, you are also rejected. ये तुम्हारी पसंद है? जी भैया। हरगिज नहीं, ये तुम्हारी पसंद नहीं हो सकती। मैं इसके हाथ में अपनी बहन का हाथ नहीं दे सकता। मुझे शादी से इनकार है, सरासर इनकार है। सुनो शुभा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपना नाम, अपनी इज्जत नहीं। भैया। शोभा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारा हाथ इसके हाथ में हरगिज हरगिज नहीं दूंगा। तुम्हें इसे अपने दिलो दिमाग से निकालना होगा, और तू अच्छी तरह जानती है मेरा फैसला पत्थर की लकीर है। तेरे भैया सही कहते हैं, उन्हें अपना फैसला, अपनी इज्जत जान से भी ज्यादा अजीज है। उसे मैं तो क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। उन्होंने जिंदगी में बड़े नुकसान उठाए, लेकिन अपने फैसले कभी नहीं बदले। और तू तो बचपन से उन्हें जानती है। मैं उसके आगे अब क्या कहूँ? दारुका, आज गुरुवार है, मैं अपनों कर्जो वसूल करने आया हूँ। दरवाजा खोल। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मरी जवानी में विधवा हो गई। दारुका, ये क्या हुआ? अरे सेठ जी, तुम्हारे डर से मेरा पति लुढ़क गया। मैं क्या करूं? तुम्हारे 12,000 रुपयों का क्या होगा? अरे तुम अपने 12,000 को रो रहे हो, मेरा 12 लाख का पति मर गया, इतनी कीमती चीज मुझे कहाँ मिलेगी? अरे मेरे राजा, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मत रो दुलारी, मत रो, रो रो के अपनों जी हलका मत कर। अरे क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया, अपनी भयानक आंखों से देखो, तुम्हारा दोस्त गुजर गया, उठ गया। अरे रे 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 रे, ऐसी जवान और सुंदर पत्नी को अकेला मुसीबत में छोड़ के चला गया ये दारुका, अब इस बेचारे का क्या होगा? अरे इसका तो भाग्य ही उजड़ गया, अब इसके दिन रात कैसे कटेंगे? अरे दुलारी, नहीं नहीं, तू रो मत, मैं हूँ ना। अरे हमदर्दी जताने वाले को इतना कष्ट धक्का मत मारा कर, जाने वाला तो चला गया ना। हाँ दुलारी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ ना। हाँ, क्रियाक्रम भी मैं करूँगा और अंतिम संस्कार भी मैं करूँगा। मारे हो तो मैं, तुम कैसे करवा लोगी? हम करेंगे इसका अंतिम संस्कार, इसकी रात को भी गंगा में हम बहाएंगे अपनी शांति के लिए। अरे ये तो धर्म का काम है, क्यों प्यारे? अरे बिल्कुल सेठ जी, बिल्कुल, आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना कर्म निभाता। अरे ठीक है, जाओ अरे आओ आओ, तू चिंता मत कर। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे छोड़ दो, अरे मेरा पति नहीं मरा, क्यों ले जा रहे हो? मैं कहती हूँ छोड़ दो। राम सत्य, राम नाम 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 सत्य। रास्ते का कांटा साफ हो गया साला। राम नाम सत्य। अरे जल्दी उठाओ भाई, सारा घर का पैसा भी गया, ऊपर से ये सब खर्चा। दारू का कौन बोला? फिकर मत करना मेरे दोस्त, तेरी पत्नी की तो मैं पूरी तरह देखभाल करूंगा। लौट के ना आना मेरे मित्र, अलविदा अलविदा। संभाल के जलाना। अरे इतना बेवकूफ हूँ कि मैं संभाल के नहीं जलाऊंगा यार। अरे मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो मैं पागल हूँ? मैं नहीं बोल रहा। जल्दी लगा। अरे यो क्या नर्स हो गया? ये तो बरसात हो रही है,
कहते हैं मरने वाले की चिता पर जब बारिश बरसती है तो वो भूत बन के वापस आ जाता है। प्यारे लाल, तू मेरे मरने की राह देख रहा था ना, मेरी बीवी की पूरी तरह देख भाल करने वाला था ना। अब बेटा देख, मैं तेरी कैसे देख करता हूँ और कैसे भाल करता हूँ। आपने मुझे बुलाया सर? शोभा की जान बचाकर तुमने हमारे दिल और दिमाग में एक जगह बना ली। हमने सोचा तुम एक बहादुर और शरीफ इंसान हो और हम तुम्हें अपने ही घर का एक मेंबर समझने लगे, लेकिन तुमने हमारे प्यार, हमारी फराख दिली का नाजायज फायदा उठाकर जो घटिया हरकत की है, मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। एक बात सुन लो, शोभा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। उसके मुस्तकबिल के लिए जो खूबसूरत और सुनहरे ख्वाब मैंने बुन रखे हैं, उन ख्वाबों में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा सर। मैंने सोचा था तुम एक होनहार नौजवान हो, मेरे साये में रहकर तुम तरक्की की उन बुलंदियों को छू सकते हो जिन्हें पालने के लिए ना जाने कितने नौजवान तरसते रहते हैं, लेकिन आज आज तुमने मेरे दिल और जज्बात को ठेस पहुंचाई है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो ना जाने मैं क्या कर सकता, तुम्हारी मौजूदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ये रुपया उठाओ और मेरी हस्ती खेलती दुनिया से जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। मैंने तो समझा था कि आप और अमीरों की तरह नहीं निकलेंगे, लेकिन गलती मेरी थी कि मैंने आपको गलत समझा। आपने इस गरीब के दामन में दौलत डालकर मोहब्बत उठा ली। खैर, आपके इस एहसान और मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दिए हुए इन रुपयों का भी। थैंक यू वेरी मच। शोभा, तुमने अपने भाई का फैसला सुन लिया है। तुम्हारे और मेरे बीच दौलत की एक दीवार खड़ी है जो लोहे की दीवार से भी ज्यादा मजबूत है। अगर तुम हिम्मत है तो तुम उस दीवार को गिराकर मेरा हाथ थाम लो या मुझे भूल जाओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ। सिर्फ चाहत से काम नहीं चलेगा, तुम्हें फैसला करना होगा वरना हम शादी के बंधन में कभी नहीं बन सकते। बन सकते हैं, मैं भैया को मना लूंगी, थोड़े दिन और इंतजार करो। इंतजार? मैं इंतजार कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा भाई इंतजार नहीं करेगा। वो तुम्हारी शादी किसी दौलतमंद से कर देगा। तुम में अपने भाई को छोड़ने की हिम्मत है? नहीं जैकी, मैं दुनिया की सारी दौलत ठुकरा सकती हूँ, अपने भाई को नहीं छोड़ सकती। बहुत अच्छे, प्यार की कुर्बानी दे सकती हो लेकिन अपने मगरूर से भाई को नहीं छोड़ सकती। जैकी, खबरदार जो मेरे भाई के लिए ऐसे गिरे हुए शब्द इस्तेमाल किए तो। क्यों ना करूं, तुम्हारा भाई दौलत के ढेर पे बैठा हुआ घमंडी इंसान है। शट अप। शोभा, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं इज्जत से रोटी कमा के सारी जिंदगी तुम्हारा पेट पाल सकता हूँ। बोलो, चलोगे मेरे साथ? नहीं, मैं खुद गर्ज नहीं हूँ प्यार को पाने के लिए, अपने भाई की मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकती। ठीक है, तो जाओ रहो अपने भाई के पास और ले जाओ जज्बात और प्रेम का खून करने वाली ये नोट। जिस दिन तुम्हारी शादी किसी अमीर से होगी इसे मेरे तरफ से तोहफा समझ कर रख लेना। गुड बाय। जैकी, ना मैं अपने भैया को छोड़ूंगी और ना ही किसी दूसरे के साथ शादी करूंगी, ये मेरी भी जिद है, सुना तुमने? जैकी, भैया आप? मैं जानता था मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन इतना प्यार करती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था। आज तुम दोनों की बातें सुनकर महसूस हो गया कि प्यार के सिक्के के आगे ये कागजी नोट कुछ भी नहीं। ये शादी आज ही होगी, बीजे फुल यार। देवेंद्रिय प्रतिनिधि।
मुकद्दर के आसमान में ये चांद बड़ी मुश्किल से निकला है। आह, कुछ याद आया? जब पहली बार मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठा था तो इसी तरह उड़कर मेरा सर तुम्हारी गोद में गिरा था। और उसी दिन से मेरा दिल मेरे काबू से बाहर निकल गया था और उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। झूठ, तुम्हारी कसम। बस मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आज हमारी सुहागरात है। क्यों? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मोहब्बत का सफर इतनी जल्दी शादी के मंजिल तक पहुंच जाएगा। इस सफर को मंजिल तक पहुंचाने वाले मेरे भैया हैं। मेरे भैया इंसान नहीं, फरिश्ता है। करोड़ों एहसान है उनके मुझ पर, मैं मरकर भी उनका ये एहसान नहीं चुका पाऊंगी। जैकी, लग रहा है काला टीका लगा ले कहीं किसी की नजर ना लग जाए। चलना यार मजाक बंद कर। मजाक कौन उल्लू का पट्टा करा कर, यकीन नहीं आता तो आईने में देख, ऐसा लगता है कि स्क्रीन का पर्दा फाड़ के वो हीरो। बस बस बस, बस ज्यादा अमूल बटर मत लगा। और ये ले। ये क्या है? अरे खोल तो सही, देखा तो है नहीं, कहां से आया, किधर से आया, किसके लिए आया? खोल खोल। देख सूट है ये, सूट। किसके लिए लाया ये सूट? अरे मेरी जान, मेरे दिल, मेरे जिगर, मेरे प्यारे से दोस्त जैकी के लिए। ये सूट मेरे लिए लाया? क्या बात कर रहा है यार। बिल्कुल, आज कॉलेज का फंक्शन है और हम दोनों दोस्त एक ही स्टाइल से एक ही रंग का सूट पहन कर जाएंगे और कॉलेज के लड़के हमारे दोस्ती के नाम पे ताले बजाएंगे। चल पहन पहन। नहीं दोस्त, नहीं। कहते हैं इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अच्छा। और फिर मेरे साल भर का खर्चा एक तरफ और सूट की सिर्फ सिलाई एक तरफ, इस गरीब को सूट सूट नहीं करता। आज कॉलेज के आखिरी फंक्शन के मौके पर मेरे पिता ने अपनी मेहनत और हलाल की कमाई से अपने बेटे और अपने बेटे के सबसे प्यारे दोस्त के लिए ये तोहफा भेजा। अगर तू कबूल करता है तो मैं कबूल कर लेता हूँ, अगर तू नहीं पहनेगा तो मैं भी नहीं पहनूंगा। अरे नहीं, बड़ा जिद्दी लड़का है यार तू। लेकिन एक बात, तेरे जैसा दोस्त इस दुनिया में सिर्फ तकदीर वालों को मिलता है। चल पहन, ऐसा सूट भी तकदीर वालों को ही मिलता है। चल यार, फंक्शन को देर हो रही है। लेकिन हमारी आ रही है। लेकिन गया भाड़ में, चल पहनो यार। रे रे बाप, ब्यूटी मार्वलस, क्या लग रहा है जैकी? मेरी बात मान, तू यहाँ से सीधा फिल्म इंस्टीट्यूट चले जा। मां कसम बोलता हूँ डायरेक्ट हीरो का चांस मिल जाएगा तुझे। मजाक मत कर यार, पहली बार सूट पहना है, बड़ी शर्म आ रही है यार। हाय हाय, आने दे, शर्म से शर्मा कर लाल सुर्ख हो रहा है मेरी जान। अरे भाई, अगर तू ऐसे उदास होकर अलग होगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो और क्या करूं, हमारी दोस्ती सिर्फ कॉलेज तक ही थी। क्या डिग्री हासिल कर लें और एक दूसरे से अलग हो जाएं, ये तो कोई दोस्ती नहीं हुई यार। अरे तुझसे अलग होने की कौन बात कर रहा है यार, और मैं तुझसे अलग रह सकता हूँ तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं चलता? तू तो अच्छी तरह से जानता है कि मुझे बॉम्बे से नौकरी का बुलावा आया है, बैठकर इंटरव्यू की तैयारी भी तो करनी है। मगर तुझे और कहीं नौकरी करने की जरूरत क्या है? मेरे पिताजी का इतना बड़ा बिजनेस है, हम दोनों मिलकर उनकी कंपनी में काम कर सकते हैं। मगर तू है क्या अपनी जिद पर अड़ा हुआ? जिद पर नहीं अड़ा भाई, नौकरी और पैसा, इन दोनों चीजों को दोस्ती के बीच में नहीं लाना चाहिए, वरना दोस्ती में फर्क आ जाता है। जैकी महाराज, जिस दोस्ती में फर्क आ जाए वो दोस्ती नहीं कहलाती, और लोग तो दोस्ती में एक दूसरे के लिए जान तक दे देते हैं। अरे बिड़ू, जान तो अपन भी दोस्त के लिए दे सकता है, अगर यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लेना, अगर पीछे हट गया तो अपन अपने बाप की औलाद नहीं समझे। सर सामान गाड़ी में रख दो। रख दे बा। जैकी अपना वादा याद रखना, हमेशा याद रहेगा, हमेशा। जैकी खुद को भूल सकता है लेकिन अपने दोस्त अमर को कभी नहीं भूल सकता। तो जनाब का नाम जय किशन है? जी सर। बैठो। थैंक यू। इससे पहले किसी कंपनी में अप्लाई किया था जनाब? जी हाँ किया था, और वहां से मुझे इंटरव्यू का कार्ड भी आया था, पर मेरी बदकिस्मती ये थी कि वहां पर जितने कैंडिडेट्स थे
उनके मार्क्स मुझसे ज्यादा थे तो मैंने इंटरव्यू देना मुनासिब नहीं समझा और वहां से चला आया। अजीब आदमी हो, अपनी बुराइयां खुद ही किए जा रहे हो, जानते हो जनाब क्या कह रहे हो? जी अच्छी तरह से, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हमें तुम्हारे जैसे सच्चे नेक इंसान की जरूरत थी, तुम्हें अपॉइंट किया जाता है जनाब। सच सच सर? हाँ जनाब, गोडाउन सुपरवाइजर की नौकरी पर रखा जाता है। हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें बाद में मिल जाएगा जनाब। यस सर। जनाब ये जय किशन जनाब है, आज से हमारे गोडाउन के सुपरवाइजर है, इन्हें रिजॉर्ट सबसे मिला दो जनाब। जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। अरे अब्दुल जल्दी कर। हो गया साहब। हाँ कितने बक्से हुए? पूरे 1000 है साहब। हाँ ठीक है। अच्छा और सुन, हाँ वो पीछे वाले जनाब ट्रक लोड हो गया। जी सर। कितने बक्से हैं? 1000 है साहब। सारा सामान कोल्हापुर जा रहा है, तुम साथ में जाओ और सारा सामान अपनी निगरानी में उतरो ना। और सुनो, संभल के जाना, बड़ा कीमती सामान है। आप फिक्र मत कीजिए साहब, मैं साथ में जा रहा हूँ ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चला। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? ये लॉरी कहाँ जा रही है? कोल्हापुर जा रही है। इसमें क्या भरा है? रेडीमेड कपड़े हैं साहब। हवलदार। यस सर। तलाशी लो। ओके सर। चलो। इसमें ब्राउन शुगर भरा है। अच्छा तो इसमें रेडीमेड कपड़े रखे हुए हैं। हमें बेवकूफ बना रहे हो? चलो। आप ब्राउन शुगर हमारी कंपनी की लॉरी में जो नौकरी पे रखे गए और रखते ही चमत्कार दिखा दिए ना आप। क्या बात कर रहे हैं साहब, आप ही ने तो मुझे लॉरी में रवाना किया था और आप ही की कंपनी से तो माल भरा गया था। हाँ माल भरा गया था कंपनी से, रास्ते में माल उतरा दिया था ना आप और ब्राउन शुगर भर दिया। झूठे, तू अपने पाप के काले कर, तू मेरे सर पे थोप रहा है। देखा देखा जनाब, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। गुप्ता, तूने मेरी गरीबी और सच्चाई का नाजायज फायदा उठाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जनाब अंदर होते भी इतनी बड़ी दबान बाहर निकालता है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम जैकी है ना? जी हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? तुम्हारा दोस्त अमर, वो मेरा बेटा है। अच्छा, नाइस मीटिंग यू अंकल। थैंक यू। भाई सुबह शाम वो तुम्हारे गुण गाता रहता है, तुम्हारी 50वीं तस्वीरें उसके कमरे में लगी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया। हाँ इस दुनिया में वही तो मेरा एक दोस्त है, वही मेरा सब कुछ है अंकल। लेकिन उसे मत बताइएगा कि मैं आज ही जेल से छूट कर आ रहा हूँ, वरना उसे बहुत दुख होगा। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अरे तुम मेरे बेटे के इतने गहरे और बेहतरीन दोस्त हो, तो तुम भी मेरे बेटे हुए ना। वैसे बेटे अब तुम जाओगे कहाँ? कोई खास प्लान नहीं अंकल, मगर सबसे पहले मैं जाकर अमर से मिलूंगा, उसके बगैर एक साल बड़ी मुश्किल से गुजरा अंकल। पता नहीं वो कितना नाराज होगा, कितना चीखेगा, कितना चिल्लाएगा मुझे देखकर। नहीं ना वो चीखेगा ना चिल्लाएगा, वो बहुत शांत हो गया है। शांत क्यों? तुमको चलकर देख लो कैसे शांत हो गया वो। आओ आओ बेटे आओ। तुम्हारा दोस्त अमर इन खामोश पत्थर की दीवारों में मौत की नींद सो रहा है। नहीं अंकल, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अंकल। ये हो चुका है बेटे, मेरे ख्याल से बेटे को मौत के बेरहम हाथों ने जवानी में ही इस दुनिया से उठा लिया है। तुम्हारे दोस्त और मेरे बेटे ने अपने आप को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मगर क्यों अंकल, क्यों की उसने खुदकुशी? बेटे मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त की दर्दनाक मौत की कहानी सुनाता हूँ। अमर जब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस लौटा तो उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम शोभा था। जब मुझे मालूम हुआ कि वो लड़की मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त विजय कुमार, जो शहर का बहुत ही रईस आदमी और शिपिंग मैग्नेट है, उसकी बहन है, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने विजय कुमार के पास जाकर शादी पक्की कर दी और शादी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अचानक अमर एकदम बदल गया, वो उदास रहने लगा। मैंने उससे पूछा क्या बात है, लेकिन वो हमेशा मेरे सवालों का जवाब डबडबाती आंखों से टाल दिया करता। एक दिन उससे नहीं रहा गया, मैंने उसे उसकी स्वर्गीय मां की कसम दिलाई, तुम दोनों की दोस्ती की कसम दिलाई और कहा कि मुझे बताओ सच सच बात क्या है। उसने कहा डैडी आपने मेरी और जैकी की दोस्ती की कसम दिलाई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।
मैं जिंदगी भर अपनी जबान नहीं खोलता। दरअसल शोभा ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया है, उसने शादी करने से इनकार कर दिया है। प्यार में धोखा खाने के बाद अमर की जो बुरी हालत हुई उसे मैं दरअसल मैं बयां नहीं कर सकता। मेरे बेटे की मौत कानून की नजर में आत्महत्या थी, लेकिन इंसानियत की नजर में वो एक कत्ल था। कत्ल। जैकी बेटे, मेरा बेटा अमर तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें अपने बेटे की जगह समझता हूँ। मुझे विजय और उसकी बहन शोभा से अपने बेटे अमर की मौत का बदला लेना है। जिस तरह मेरा बेटा फांसी लगाकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया था, उसी तरह शोभा भी फांसी लगाकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए, तब कहीं जाकर मेरे दिल के जख्म भरेंगे, मेरे बेटे और तेरे दोस्त की आत्मा को शांति मिलेगी। आप फिक्र मत करिए अंकल, अब उन दोनों से इंतकाम लेना मेरा काम है। मैं उस बेवफा शोभा को ऐसा बर्बाद करूंगा कि वो खुद अपनी जिंदगी से बेवफाई कर बैठेगी, और उस विजय को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो हजारों जन्मों तक याद रखेगा। कांग्रेचुलेशन सर, सुना है आपकी बहन की शादी हो गई। थैंक यू कैप्टन, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं किसी को इनवाइट भी नहीं कर सका, मगर बहुत जल्द तुम जैसे दोस्तों के लिए एक शानदार पार्टी देने वाला हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर इजाजत हो तो क्या मैं भी आपकी शानदार पार्टी में शरीक हो सकता हूँ? जी मैं सुना आपकी बहन की शादी हो गई, तो मैं मुबारकबाद देने चला आया और साथ में एक चौंकाह देने वाली खबर भी सुनाने चला आया हूँ। इससे पहले कि तुझे धक्के देकर यहाँ से, इजी पहले मेरी सुन लीजिए विजय बाबू, बड़ी भयानक खबर है। हाँ, पुराना दोस्तों ने इसकी सुनाने चलाया। तो खबर ये है कि तुम्हारा जो बहनोई है वो एक स्मगलर है, गुंडा है, बदमाश है, एक साल की सजा काट कर आया है। अगर तेरी एक भी बात गलत हुई प्राणलाल, तेरा अंत क्या होगा तू अच्छी तरह जानता है। हाँ, जानता हूँ मिस्टर विजय। मेरा तुमसे ये वादा रहा कि अगर ये बात गलत निकली तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। अब जाओ और जाकर अपने लाडले और चाहते बहनोई से जाकर पूछो। जैकी मुजरिम जरूर है, लेकिन उसमें एक खासियत है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है। वो खुद तुम्हें अपनी असलियत बता देगा। जैकी, इधर आओ। जी जैकी, मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, और जवाब मुझे सिर्फ ना में चाहिए। अगर तुमने जवाब ना में दिया ना, तो इस खानदान की मान मर्यादा, मेरी इज्जत, मेरी इस बहन की जिंदगी जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, सब कुछ बच जाएगा। और अगर कहीं तूने जवाब हाँ में दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा, मेरी दुनिया में कयामत आ जाएगी, मैं पता नहीं क्या कर गुजरूंगा। तुम कभी जेल गए हो? मैं पूछ रहा हूं, तुम कभी जेल गए थे? क्या तुम स्मगलिंग का धंधा करते हो? और क्या तुम प्राणराज जैसे घटिया आदमी के साथ मिलकर काम कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं जैकी, जवाब दो, कह दो ये झूठ है, भगवान के लिए कह दो ये झूठ है। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, ना ही आज बोलूंगा। हाँ, मैं मुजरिम हूं, मैं जेल की सजा काट चुका हूं, मैंने स्मगलिंग भी की है और मैं प्राणलाल के लिए काम भी करता हूं। कमीना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इन्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी, ये मेरा पति है। ये तुम्हारा पति नहीं, पति के नाम पर पद्मता है, ये तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन है, हमारे खानदान का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हमारे दुश्मन का एजेंट है ये। अब जो भी हो वो मेरी तकदीर है, मैं आपको इन्हें हाथ लगाने नहीं दूंगी। हट जाओ शोभा, मेरे भी हाथ टूटे हुए नहीं है, इन हाथों में कितनी ताकत है तुम्हारे भाई साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप मुझे मार डालना चाहते हैं तो ठीक है, जिस घर में मेरी पत्नी के मांग का सिंदूर उजड़ने का खतरा, उस घर में मैं पल भी नहीं रुकूंगा। चलो शोभा। जैकी। शोभा, मैं तुमसे कह रहा हूं, इस घर में मेरा अपमान हुआ है, मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहूंगा। अपमान? अरे अपमान मान वालों का होता है, तो जैसे बेईमानों का नहीं। मेरी बहन इसी घर में रहेगी और तू जैसे मुजरिम के साथ कभी नहीं जाएगी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। शोभा, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? हर केस नहीं,
बल्कि वो तुझे तलाक देगी। तेरे गुनहगार हाथों से अपना दामन हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा लेगी। Get out from here. I say get out from here. मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहता। रुक जाओ जैकी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं शोभा, तुम इसके साथ नहीं जाओगी। ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हारा पति कहलाने के लायक नहीं है। इसके साथ तुम्हारी शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और उस भूल का इलाज तलाक है। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अब चाहे सुख हो या दुख, जिंदगी हो या मौत, जो भी होगा उनके साथ रहकर ही होगा। वो मेरे पति है, मेरे परमेश्वर है। शोभा मेरी बहन, मेरी बात मान ले। मैं तेरी बर्बादी नहीं देख सकता। ये तेरी शादी नहीं, एक बहुत बड़ी चाल है और उस चाल का खतरनाक मोहरा ये है। तलाक ले ले, तेरा कहना मान तलाक ले ले। भैया मुझे तलाक लेने के लिए कह रहे हैं। मान लो अगर कभी ये वाकया तुम्हारे पति के साथ पेश आया होता तो क्या तुम अपने पति से तलाक ले लेती? तो इसका मुकाबला इनके साथ कर रही है। ये तो देवता है, इनके बारे में अपने मन में ऐसा सवाल लाना भी पाप है। शुक्रिया भाभी, थप्पड़ मारकर गुस्से में ही सही, मगर आपने मेरे सवाल का ठीक जवाब दे दिया। भाभी मेरे भैया से कहो कि अगर उनके आदर्श हैं, तो मेरे भी आदर्श हैं। उनकी पत्नी अगर पति को देवता मानकर पूजा कर सकती है तो मेरा धर्म भी मुझे यही सिखाता है। मैं गलत कदम उठाकर अपने धर्म का अपमान नहीं कर सकती। शोभा, शोभा ये घर छोड़ के मत जा। देख मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा। शोभा मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुझे बाप का लाड, माँ की ममता सब कुछ दिया है। मेरी बहन मत जा। भैया मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। शोभा अगर तुम्हारी इज्जत भाई की प्यार से ज्यादा बड़ी हो गई है तो जा, चली जाए यहाँ से। लेकिन एक बात सुन ले, आज के बाद तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। ठीक है, शादी के बाद औरत की जगह अपने रिश्तेदारों के दिल में नहीं, अपने पति के दिल में होती है, उसके घर में होती है। चलो जाके, चलो। देखा किस तरह सारे बंधन तोड़कर चली गई। आज की घड़ी एक भाई के लिए मौत से कम नहीं। अब किसके लिए जीना है? इसलिए ये शान शौकत, ये दौलत, ये इज्जत, वही चली गई तो कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। मिटा डालूंगा तेरी याद की हर निशानी, मिटा डालूंगा, खत्म कर दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। सारे सपने टूट गए। शोभा, शोभा मेरे प्यार को रोक कर चली गई। मुझे किस जन्म की सजा मिल रही है लक्ष्मी, मुझे किस जन्म की सजा मिल रही है? यह है आज से तुम्हारा नया घर। इससे अच्छा मकान तो तुम्हारे नौकरों का होगा। यहाँ आकर पछता तो नहीं रही हो ना? बिल्कुल नहीं, पछतावा किस बात का? चाहे तुम जहाँ भी रहोगे वो जगह मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर होगी। यही स्वर्ग एक दिन तुम्हारे लिए नरक बन जाएगा। आते वक्त भैया ने भी मुझसे यही कहा था कि तुम स्वर्ग छोड़कर नरक में जा रही हो। मैं नरक से डरती नहीं क्योंकि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं नरक को स्वर्ग में बदल सकती हूँ। पहला दिन है ना, ऊंची ऊंची बातें कर रही हो। आज के बाद में हर दिन तुम मुझे यही कहते हुए पाओगे। जब तुम्हारे भाई ने मुझसे तलाक लेने के लिए कहा तो क्यों नहीं ली तुमने? तलाक की बात तो वहाँ होती है जहाँ नफरत हो, मोहब्बत में नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? बिल्कुल, अगर प्यार ना करती तो अपनी जान से प्यारे भाई को, माँ समान भाभी को, उस ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ ना चली आती। शायद आप औरत के दिल को नहीं समझते, उसके प्यार की गहराई को नहीं जानते। जानता हूँ, औरत के दिल को भी जानता हूँ, उसके प्यार की गहराई को भी जानता हूँ, जिसमें मर्द डूब जाता है।
पहले औरत मर्द से प्यार करती है, फिर उसे धोखा देती है, उसके बाद मौत की गोद में सुला देती है। ये इल्जाम है औरत जात पर। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। मेरा एक बहुत ही अजीज दोस्त था, भाई से भी बढ़कर, जिसका नाम था अमर। अमर ने एक लड़की से प्यार किया था और उस लड़की ने उसे धोखा दिया, उसका दिल तोड़ दिया, और आखिर अमर ने, मेरे दोस्त ने खुदकुशी कर ली। बात दुख हुआ ये सुनकर। औरतों को दुख भी बहुत देर से होता है। जैकी, ये तुम क्या गोलमोल बातें कर रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखो, आज हमने जिंदगी की नई शुरुआत की है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ऐसे भोलेपन की एक्टिंग कर रही है जैसे कि कुछ जानती नहीं है, मगर धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। अरे भैया, तुम तो पीते हुए कभी नहीं देखा। अरे बेटा, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार अपने दोस्त के गम में पी रहा हूँ। वो मर गया, मगर तू किस बात का है कि वो पहले क्यों नहीं मरा, इतना लेट क्यों मरा? धीरज रखो, धीरज। अरे क्या धीरज रखो, मुझे उसकी पत्नी की चिंता खाई जा रही है। वो जवान है, खूबसूरत है, अपनी खूबसूरत जवानी अकेले कैसे गुजारेगी? इसलिए मैं दारू पी पी कर अपने अंदर हिम्मत की लुढ़कती हुई बिल्डिंग को खड़ी कर रहा हूँ, हिलती जा रही है। मैं जाकर उसे कहूंगा, दुलारी मेरी प्यारी, अकेले जवानी की गाड़ी चलाना है बुहाल, मैं अगर इस गाड़ी में टायर बन के चिपक जाऊं तो कैसा रहेगा ख्याल? अंदर तुम बोले बेटा, तो फिर लगे रहो। कौन बोला कौन ये? मेरे को भी डोंग नो। मेरे को भी दे रे प्यारी, मेरे को भी दे रे, उधर जाके पियो भाई, मेरे को भी दे रे। अरे किधर है जान? मुबारक हो विजय साहब, आपकी भगवान ने सुन ली, लड़का हुआ है। बच्चा ठीक तो है ना? जी हाँ लक्ष्मी जी, और बच्चा बिल्कुल ठीक है। मैं अपने बच्चे को देख सकता हूँ? जी हाँ जरूर देखिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अरे भगवान ने हमारी सुन ली लक्ष्मी। लक्ष्मी ये मेरा लक्ष्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। संभालिए, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। आज मेरे कानों ने अपनी औलाद की आवाज पहली बार सुनी है। मैं बहुत खुश हूँ लक्ष्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आधी रात को आँख खुली,
या किसी की आने लगी, आधी रात को आँख खुली, याद किसी की आने लगी, अचानक एहसास हुआ, अचानक ऐसा लगा, अचानक पता चला इश्क हो गया। आधी रात को आँख खुली, याद किसी
अचानक एहसास हुआ, अचानक ऐसा लगा, अचानक पता चला इश्क हो गया। देखो ना कितने गुस्से से मेरी तरफ देख रहे हैं। देखने दो, तुम देखने की चीज ऐसी हो माय डार्लिंग। तुम मोहब्बत के फूल है, ये नफरत के कांटे हैं, कांटे। और नफरत के कांटे मोहब्बत के फूल को इसी अंदाज में देखते हैं। अरे हम नफरत के कांटे को जलने देंगे और प्यार की राह पे चलते रहेंगे डार्लिंग, कम ऑन बेबी। Come on, darling. I love you. अबे प्यार करती हूँ। ज़्यादा शांत पति ने कहा, मैंने तुझे यहाँ प्यार की एक्टिंग के लिए बुलाया, असली प्यार करने के लिए नहीं, समझी? ताकि मेरी बीवी भड़के, उसके कलेजे में आग लग जाए, उसका दिल टूट जाए और मुझसे नफरत करने लगे, मैंने इसलिए तुझे यहाँ बुलाया। जबरदस्ती की चिपकम चिपकी करने के लिए नहीं बुलाया, समझी? डार्लिंग क्यों प्यार का समय बर्बाद कर रहे हो, चलो ना। अरे रे रे, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है, जरा मुझे बिस्तर पर फूल बिछा लेने दो ताकि तुम मेरे पति के साथ आराम से फूलों की सेज पर रात गुजार सको। सुनिए, मेरी सेवा की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, चाहे आधी रात को, चाहे कॉफी दूध किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना, शर्माना नहीं, मैं हाजिर हूँ। जाती हूँ। एक बात और, मेहमान को हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, समझे? Get out from here. जाती हूँ ना। Bye. Good night. Sweet dreams. Jackie darling, लगता है तुम्हारी बीवी को हमारे प्यार पर कोई एतराज नहीं, वो हमारे प्यार के लिए कुर्बानी तक देने को तैयार है। अबे कुर्बानी बर्बानी कुछ नहीं साली, नया पैतरा मार रही है, पूरा प्लान फेल कर दिया उसने। तो यहाँ क्या करे, तो फुटना। सुनो बहन, बेशरम बेहया औरत, जात का नाम बदनाम करने वाली गंदी औरत, अगर मन में हवस का शैतान इतना ही तड़पा रहा है तो जा किसी राह चलते हुए आवारा मर्द को पकड़ और अपनी हवस की भूख पूरी कर ले। शादीशुदा शरीफ आदमी पर हाथ क्यों डालती है, एक ब्याहता औरत का घर क्यों बर्बाद करना चाहती है, मेरी बात मान और शरीफों की तरह जीना सीख ले। जा किसी गरीब मगर शरीफ आदमी को पकड़, उसकी बीवी बन जा। दूसरों के घर में मुंह मारते फिरेगी तो किसी दिन तेरा ये मुंह तोड़ दिया जाएगा। चली जाए यहाँ से। Get out! You? जाती है ये नहीं, वरना मैं ही तेरा मुंह तोड़ कर रख दूंगी। निकल जा, निकल जा। क्या चालाक और पक्के इरादे वाली औरत हो, हालात के साथ रंग बदलती हो। क्या बदलती हो? रंग, कभी शबनम तो कभी शोला, सिर्फ शोभा। बड़े ही शुभ दिन तुम्हारे बच्चे ने संसार में जन्म लिया है, ये बड़ा भाग्यवान है। पुजारी जी, हम तो उम्मीद खो बैठे थे। हम ना उम्मीदों की झोली को दुर्गा माँ ने खुशियों से भर दिया। पुजारी जी, ये दुर्गा माँ के मंदिर के लिए 2 लाख का एक चेक है। सुखी रहो। अरे शोभा, मुबारक हो भाभी। नहीं लक्ष्मी, मैं इसके हाथ में नहीं देना। ये क्या समझती, इसके बगैर हमारा घर सूना हो जाएगा, कोई इसकी जगह नहीं ले सकता। चलो चलो यहां से। मेरी सारी जिंदगी लटकने में गुजर गई, तुमको मेरे मुंह की पड़ी हुई है। जैसे खिलाड़ी बिना नाम के, शराबी बिना जाम के और मर्द बिना काम के बेकार हो जाता, वैसे मैं भी बेकार हो गया हूँ। घर में बड़े बड़े दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं। अरे उठो, बाहर तो जाओ। अरे क्या खाक, बाहर जाऊँ? मैं बाहर जाता हूँ तो लोग अंदर चले जाते हैं। अरे पर लोगों को बाहर जाके समझाओ कि तुम मरे नहीं, जिंदा हो। समझाया था,
आज एक आदमी को सुबह आधा घंटे तक समझाया, फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों? वो बहरा था। कमाल है तुम्हारा भी, दिल की बात कहीं भी तो एक बहरे से। मेरा क्या मालूम वो बहरा है, देखने में तो खाली अंधा दिखता था। क्या वो अंधा भी था? हाँ, बाद में पता चला वो लंगड़ा भी था। हे भगवान, अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि इस घर में भूत रहता है तो वो टॉप मार के इस घर को उड़ा देंगे। आवाज कहाँ से आ रही? वो कहीं उधर से। अच्छा, इस वक्त कौन होगा जी? मेरा क्या मालूम मेरे मरने के बाद इस घर में कौन कौन आता है। क्या मतलब? चलो जाके देखो। मैं कैसे देख सकता हूँ? क्यों, मैं तो मरा हुआ हूँ। मरा हुआ हूँ, नाटक से तो थक गई हूँ। मैं देखता हूँ कौन कौन इधर आता है। क्या है, कान तक जबड़े खोलकर अपने दांत क्यों दिखा रहे हो? मैं एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम्हारे भी जबड़े गेटवे ऑफ इंडिया की तरह खुल जाएंगे। ये देखो। लेकिन ये किस बात के नोट है? ये जज्बात के नोट हैं। किस बात के नोट है? जज्बात की रानी, जज्बात। ये बात जज्बात क्या लगा रखा है, सीधी तरह बोलना क्या है? मेरी प्यारी दुलारी, मैं तुमको अपने मन की बात बताता हूँ। इस पापी संसार में मरते बिना कोई औरत जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हें जीने की राह बताने आया हूँ। देखो, मेरी कानी पत्नी मर चुकी है, तुम्हारा बेवड़ा पति मर चुका है, मैं रंडवा हूँ और तुम विधवा। मेरे जीवन के खटारे का एक पहिया गायब है, तुम्हारा भी एक पहिया गायब है। क्यों ना हम दोनों अपने एक एक पहिए को मिलाकर एक नई गाड़ी बना ले। मर गया। क्या हुआ? ये इतना भारी पतीला किसने फेंक कर मारा? आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ, मैं कह रहा था दुलारी मेरी प्यारी, ये हो क्या रहा है, कोई पागल नौकर रखा है क्या? नहीं नहीं, वो क्या है ना, आपकी बातें सुनकर खुश होकर मेरे घर के बर्तन उछल उछल रहे हैं। अच्छा, उछल उछल रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे ना? हाय, मैं कह रहा था मेरी दुलारी जान से या आपके घर के बर्तन है कि उड़नता स्त्रियां अमेरिका की? वो सब छोड़िए, आप कुछ कह रहे थे ना? आज हाँ कहूंगा, कल आके कहूंगा, ये बर्तन मारते हैं। ऐसे उछलते बर्तन पहली बार। मैं कौन? दारुका। दारुका नहीं, दारुका तो मर चुका है। मैं ऊपर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तुझे अपने साथ ऊपर ले जाने आया हूँ। नहीं, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। तेरी पत्नी ने कहा दारुका भाई, मेरे पति प्यारे को ऊपर लेकर आ, मैं तुझे अपने साथ ऊपर ले जाने आया हूँ। नहीं नहीं, उसको कहना मेरी तबीयत खराब है, मैं 40-50 साल बाहर आऊंगा, उससे पहले नहीं आ सकता। नियत के साथ तबीयत भी खराब होगी तेरी। नहीं नहीं, नियत मेरी बिल्कुल ठीक है। तो फिर यहाँ क्या करने आया था? मैं तुम्हारी बहन को ये रुपए देने आया था, मतलब दुलारी बहन को ये रुपए देने आया था। किसको? दुलारी बहन को। फिर से बोल। दुलारी बहन। फिर से बोल। अरे भूल गई, दुलारी बहन। फिर से बोल। दुलारी बहन, ये रिश्ता याद रखना। अब ये कमबख्त सारी दुनिया को जाके बोलेगा कि इसने मेरा भूत अपनी आंखों से देखा है। पर तुम्हें उसके सामने ये सब हरकत करने की क्या जरूरत थी? मेरे सामने वो तुमसे ही झड़ रहा था। ये बात अगर कोई सीधा साधा आदमी देख ले तो उसमें भूत सवार हो जाएगा। तो क्या भूत पे भूत सवार नहीं होगा? सोच भी नहीं सकती थी कि आपको मेरा ख्याल आ सकता है और आप मुझे भागन के घर आ सकती हो। आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी, बेहद खुश हूँ। ये तेरा भतीजा है, उस दिन तूने इसे देखा नहीं था ना, इसलिए आज मैं तुझे दिखाने लाई हूँ। ये तेरी बुआ है क्या? अरे देख, इसे खूब प्यार कर इसे और आशीर्वाद दे। आ जा ले। अरे भाभी, इसकी आंखें तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है और होंठ बिल्कुल भैया जैसे। भाभी, भैया को मालूम है तुम यहाँ आई हो? इस वक्त तू उन सब बातों को भूल जा शोभा, तू तो अपने भैया को जानती है, वो कितने जिद्दी हैं। एक बार किसी बात पर अड़ गए तो अड़ गए, लेकिन जहाँ तक तेरा संबंध है, तू सिर्फ उस घर से गई है, उनके दिल से नहीं। आज भी वो तुझे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा तेरे बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जबान से खुलकर किसी से कुछ नहीं कहते। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ भाभी, भतीजा आज पहली बार घर में आया है और मेरे पास देने के लिए कोई तोहफा नहीं है। चल पगली, तेरा ये एक ही आंसू मोतियों से ज्यादा कीमती है, इससे कीमती तोहफा और क्या हो सकता है।
छोड़ इन सब बातों को। अरे भाभी मैं तो भूल ही गई, आप बैठिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे छोटू देख, अच्छी तरह देख ले, मैं तेरी पुप्पी हूँ। अरे कप में हाथ नहीं डालते। अरे तेरे लिए थोड़ी ना है, मम्मी के लिए है। चुप। चाय अच्छी है ना भाभी? अरे बहुत अच्छी है, तू अगर प्यार से नीम का कड़वा रस भी पिलाएगी ना वो भी अमृत बन जाएगा। अच्छा सुन, अब मैं चलती हूँ, तेरे भैया के आने का समय हो गया है, ला फिर आओगी ना भाभी? हाँ हाँ जरूर आऊंगी। जीती रहे। तुम्हारे पति और क्या समझते हो अपने आप को? अगर मैं मुजरिम हूँ, सजा याफ्ता कैदी हूँ, फिर भी इज्जत रखता हूँ। तुम्हारे पति ने तुम्हारे हाथों पैसे भेजकर मेरी बेइज्जती की है। भगवान के लिए चुप हो जाओ, उन्हें तो इस बात का पता तक नहीं, अगर उन्हें मालूम हो गया मुझे तो बुरा भला कहेंगे और पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। मुझे अंजाम की परवाह नहीं, ना ही मैं किसी से डरता हूँ। अगर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो जाकर गरीबों में बांट दो या फिर आग लगा दो। और अगर दोबारा तुम्हारे पति ने मुझे पैसा भेजने की गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किस लिए आया था ये? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो लक्ष्मी, क्यों आया था यहाँ वो? कुछ भी नहीं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्यों आया था यहाँ, बताओ क्यों आया था? ठीक है सुनना चाहते हैं तो सुनो। जब मैंने सुना हमारी शोभा मुसीबत में है, एक एक पैसे के लिए मोहताज है, उसका यह हाल सुनकर मेरा दिल दहल गया, मैं ये पैसे लेकर उसके घर चली गई। देख लिया अपनी हमदर्दी का नतीजा, ये रुपया वो तेरे मुंह पे मार के चला गया। अगर उसने ये घटिया हरकत मेरे साथ की होती मैं उसका मुंह तोड़ देता। ए लक्ष्मी तू समझती है मुझे अपनी बहन से प्यार नहीं? देखा नहीं उस दिन उसके सामने किस तरह गिड़गिड़ाया था? मैंने हाथ जोड़े मिन्नत समाजत की रोकने के लिए, वो रुकी। मेरी बदकिस्मत ही इंतहा थी, वो घड़ी इतना प्यार करने वाले भाई को छोड़कर उसको मेरे पति के साथ चली गई। क्या आप अपनी छोटी बहन की जिद को उसकी नादानी समझकर माफ नहीं कर सकती? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इससे पहले कि हम अपनी जिंदगी की रही सही खुशियां खो बैठे, इससे पहले कि हमें अपनी जिद के लिए पछताना पड़े, आप शोभा को घर ले आइए प्लीज। अरे पगली मेरा बस चले तो मैं अभी उसे इसी वक्त यहाँ ले आऊँ, मगर किस्मत के सामने किसी की चलती है तो क्या समझी मैं उसके बगैर जी रहा हूँ? दिखावे के लिए हंसता हूँ, घर के हर कोने में उसकी शक्ल नजर आती है। लक्ष्मी मेरी मेरी हर सांस में उसकी याद आती है, लक्ष्मी हर सांस के साथ उसकी याद आती है। सर ये प्राणलाल बड़ा ही कमीना और जलील इंसान है, इसी की वजह से हमारी कंपनी में सब गड़बड़ हुई है, यही सारे फसाद की जड़ है। आप इसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते?
बिना इजाजत मेरे गोदाम में अंदर आने का बहुत बहुत शुक्रिया विजय बाबू। वाह, इतनी बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक मेरे गोदाम में चोरी के रास्ते तलाशी लेने आया है ताकि स्मगलिंग और गैर कानूनी माल के साथ मुझे रंगे हाथों पकड़वा सके, है ना? लेकिन अफसोस आप पैसा पलट चुका है, अब मेरे बदले तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी एक स्मगलर बनकर और गैर कानूनी माल के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार होकर। क्या बकवास है तू? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ। अब तक मेरे आदमियों ने बाहर तुम्हारी कार की डिक्की में 10 लाख की कोकीन रख भी दी होगी। You have to pay for everything what you are doing against me. इतनी जल्दी भी क्या है? पहले मेरे आदमियों को अपना काम करके अंदर तो आ जाने दो, फिर तुम्हारा जो भी मन कहे कर लेना। और अभी पुलिस भी आ जाएगी, फिर तुम्हें अदालत के सामने स्मगलर साबित करने के लिए ये 10 लाख की कुकिंग काफी है। प्रणाल, चाल तो तू एक कुत्ते से भी बदतर चल गया, लेकिन पुलिस तेरा यकीन नहीं करेगी। करेगी, उसे यकीन करना पड़ेगा। प्रणाल कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता है। अब देखो ना, जैकी तुम्हारा बहनोई एक स्मगलर है, ये पुलिस का रिकॉर्ड बताता है। तुम कोकीन के साथ पकड़े जाओगे, ये हालात बताएंगे, फिर कानून और पुलिस इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी कि तुमने अपने स्मगलिंग के कारोबार को बढ़ाने के लिए अपनी बहन की शादी एक स्मगलर से कर दी। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए उसे? माल रख दिया विजय साहब की गाड़ी में? यस, रख दिया सर। शाबाश। लो विजय बाबू, मुबारक हो, मैंने अब तुम्हारी बर्बादी का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ, वो आएगी और तुम्हारी कार की तलाशी लेगी और तुम्हें इज्जत के साथ गिरफ्तार करके ले जाएगी। छोड़ नंबर, मैं चाहूँ तो मेरे आदमी एक ही इशारे पे तुम्हें इसी वक्त यही कुत्ते की मौत मार सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं वो हरामी हूँ जो अपने शिकार को खिला खिला कर तड़पा तड़पा कर मारने में मजा लेता है। कुत्ते, हरामी तो है तू, अभी बताता। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं प्रणलाल बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़े स्मगलर विजय कुमार को पकड़ कर रखा हुआ है। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा नाम क्या है और मैं क्या काम करता हूँ। मैं जानता हूँ आप एक शरीफ आदमी हैं, लेकिन मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, सारी गाड़ी की तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ डिक्की की तलाशी लीजिए। ये शख्स जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, गैर कानूनी काम भी करता है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे अपनी डिक्की में नशे वाली दवाइयों का एक बहुत बड़ा ब्रीफकेस रखते हुए देखा है। ये सब के सब स्मगलर है साहब। ये क्या मजाक है मिस्टर प्रणलाल? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ आपने खामखा एक शरीफ इंसान की इज्जत तक कीचड़ उछालने की कोशिश की है। आपको इस जुर्म में मैं गिरफ्तार करके भी ले जा सकता हूँ, समझे आप? आई एम सॉरी मिस्टर विजय, ड्यूटी निभाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को अगर अपने माँ बाप पे भी शक हो जाए तो मजबूरन उनकी भी तलाशी लेनी पड़ती है। इंस्पेक्टर, यकीन हो गया तुम्हें कि जुल्म करने वाले, पाप करने वाले कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा जीत सच्चाई की होती है। राइट सर। भाग तक कहां है कुत्ते साले, जी चाहता तेरा खून कर दूं, लेकिन तेरा खून इतना गंदा है कि मैं इसे अपने हाथ रंगे नहीं चाहता। लेकिन एक बात सुन ले,
मेरा नाम विजय है। जब तक तुझे जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देता तब तक जीऊंगा, तुझे सबक सिखा के रहूंगा। दारुका, अरे तू जिंदा है दारुका? हाँ सर, वो डर से बचने के लिए मैंने एक अफवाह उड़ाई थी, वो अफवाह मेरे गले का फंदा बन गई। क्या मतलब? वो बाद में बताऊंगा, मैं आपसे एक बात करने आया था सर। क्या बात है? मैंने छुपके देखा, कुछ लोग आपकी गाड़ी में छुपा कर बक्सा रख रहे थे। उनके जाने के बाद मैंने जब अंदर देखा तो उसमें पैकेट थे, उसमें ड्रग था, तो मैंने निकाल के फेंक दिया और मान लेकर रख दिया। सत्य में विजय थे। दारुका, तुम सच्चाई की मूर्त हो, तुमने मुझे बहुत भयंकर चीज से बचा लिया। ये नया नाटक क्या है? ये नाटक नहीं है, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे? Are you crazy? आशीर्वाद, और वो भी तुम्हें? मैं दिन रात तुम्हें शराब देता रहता हूँ, तुम्हें गालियां देता रहता हूँ, तुम्हारी मौत की दुआएं मांगता रहता हूँ, और तुम मुझसे आशीर्वाद की उम्मीद रखती हो? नहीं, इस दिल के दरवाजे से तुम्हारे लिए आशीर्वाद के शब्द कभी निकलेंगे नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या नुकसान पहुँचा है मैंने तुम्हें? मैंने तुमसे प्यार किया है, क्या यही मेरा कसूर है? मुझ पर अपनी जान कुर्बान करने वाले भाई को छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ थाम कर झोपड़े में चली आई, यही मेरी गलती है? मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने प्यार के नाम पर मुझे धोखा दिया। प्रणाल की दुश्मनी मेरे भाई के साथ है, उसका बदला लेने के लिए तुमने मुझसे झूठा प्यार क्यों किया? मुझे ब्याह क्यों रचाया? उसकी दुश्मनी का हथियार बनकर क्यों मुझ पर जुल्म करते रहते हो? क्यों मेरे मरने की दुआएं मांगते रहते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, जाके मुझे समझा, तुम मुझे क्यों कोसते रहते हो? इतना पूछने का अधिकार तो है मुझे? अरे हाँ, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना, चलो कहीं बाहर चलकर सेलिब्रेट करते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर चलकर। ए, सोच क्या रही हो? हाँ, मेरे साथ बाहर चलने में डर लगता है क्या? तुम्हारे साथ अपना घर छोड़ते हुए डर नहीं लगा, तो फिर यहाँ से बाहर जाते हुए डर क्यों लगेगा? ताज्जुब तो इस बात का हो रहा है कि तुम अचानक इतनी जल्दी बदल कैसे गए? ये पिकनिक का ख्याल तुम्हारे दिल में कहाँ से आ गया? ये दिल बड़ा ही जालिम चीज है, इसके लगने में, टूटने में, बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। चलें। जाके। पहले बाहर तो चलो, प्यार मोहब्बत की बात थे वो वहीं करेंगे, यहाँ मजा नहीं आएगा। अरे क्या हुआ, जाने का इरादा बदल दिया? कभी तो उससे नफरत करते हैं, कभी उसकी सुखी जिंदगी के लिए दुआएं मांगते हैं, क्या हो गया है आपको? लक्ष्मी, ये बहनों का रिश्ता भी अजीब रिश्ता है, जन्म कहां लेती हैं, साथ साथ पलती हैं, बढ़ती हैं, हंसती खेलती हैं, और अचानक किसी और की हो जाती हैं। लेकिन ये दिल से क्यों नहीं निकलती? सोचा था आज उसका जन्मदिन है, ये तोहफे लेकर जाऊंगा, लेकिन डर गया कहीं जैकी मेरी बेइज्जती ना कर दे। तो जानते हैं कि मैं खुददार आदमी हूं, कोई मेरी खुददारी को ललकारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो मुझे कहाँ ले आए? तुमने तो कहा था कि पिकनिक स्पॉट पर चलना है। हाँ, यही मेरा पिकनिक स्पॉट है। क्या? हाँ। यहाँ तो सब समाधियाँ ही समाधियाँ हैं। जब इंसान जिंदगी का दामन छोड़कर मौत का दामन थाम लेता है, तो उस इंसान को मौत ऐसी जगह पर पिकनिक बनाने ले आती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जाकी? मैं सही कह रहा हूँ, ये मेरा दोस्त था, मेरे लिए मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती इसकी दोस्ती थी। मैं अक्सर यहां आता हूं, मैं इसे देख तो नहीं सकता, लेकिन मौत की गोद में लेटे लेटे ये मुझे देख लेता होगा। इसे एक बेवफा संगदिल लड़की से प्यार था, और उसने प्यार में इसे धोखा दिया, इसका दिल टूट गया, और ये प्यार के छूटे नाटक को सह ना सका,
और फांसी का फंदा लगाकर मर गया। अपनी जिंदगी को ठोकर मारकर मौत की दुनिया में चला गया। जानती हो वो बेरहम और बदकिरदार लड़की कौन थी? नहीं। ये है मेरा दोस्त अमर। जानती हो इसे? नहीं। मैं बिल्कुल नहीं जानती इसे। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? क्या बात क्या है? इस तमाम कहानी के पीछे क्या राज है? वो कौन सी बात है जो तुम मुझे साफ साफ बता नहीं सकते? आज तुम्हें सब कुछ बताना होगा जाकी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सुनना चाहती हो? मेरी जुबानी सुनना चाहती हो कि अमर मेरे लिए क्या था और उसकी मौत का गम मुझे क्यों है? तो सुनो, तुम ही मेरे दोस्त अमर की कातिल हो। नहीं नहीं, ये झूठ है। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक जहरीली नागिन छुपी हुई है जो प्यार का लालच देकर पास बुला लेती है और फिर डस कर मौत की नींद सुला देती है। नहीं जाके, नहीं, ये इल्जाम है मुझ पर। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं किया, सिर्फ तुमसे प्यार किया है, करती हूँ और आखिरी सांस तक करती रहूंगी। ये मक्कारी के आंसू किसी और के सामने जाकर बहाना, वो और होंगे जो इस ढोंग के पानी में बह जाते होंगे। मैं तुम्हारी असलियत से वाकिफ हूँ। तुम जैसी औरतों को तो जाकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अगर तुम मुझे इस लायक समझते हो कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, चलो अपने हाथों से मेरा गला घोट कर मार डालो मुझे। मेरे यकीन करो जाके, मुझ पर भरोसा करो, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। अगर मैं धोखेबाज होती तो अपना घर छोड़कर, अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों चली आती? अपने भैया और भाभी से रिश्ता तोड़कर मैं तुम्हारे साथ क्यों चली आती? जाएगी क्यों चली आती? मुझे जवाब दो, बोलो जाएगी, बोलो, तुम चुप क्यों? मुझे जवाब दो जाएगी, मुझे जवाब दो। जी भर गया तुम्हारा, खून करने की और खून देखने की तुम्हें आदत सी हो गई है, लेकिन मेरी रगों में भी बहुत खून बाकी है। तुम्हारे पूरे खानदान को इसमें नहला सकता हूँ मैं। नहीं जैकी, नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कहते यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम अगर अपने प्यार का विश्वास दिलाने के लिए फांसी के फंदे पर भी लटक जाओगी तो मुझे तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं होगा। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी से नहीं, इस दुनिया से भी, हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी, चली जाओगी। मैं वो लड़की जो तेरी खुदकुशी का कारण बनी थी, आज खुद आत्महत्या करने जा रही है। सुना था तो कुचल के मर गया। बोल, तूने मुझे जेल क्यों भिजवाया था? बोल, कमीने, मैं बेगुनाह होकर भी तेरे लिए एक साल जेल की सजा काट कर आया, क्यों? बोल, तूने मुझे जेल क्यों भेजा? बोल, मैं बताता हूं, मैं तुम्हारे कैरेक्टर पर कानूनी मोहर लगाकर तुम्हें मुजरिम बनाना चाहता था, हाँ, ताकि मेरा प्लान कामयाब हो जाए। ये गुप्ता मेरा ही एजेंट है और मेरे ही कहने पर इसने तुम्हें जेल भिजवाया था। तुम्हारे? हाँ, क्योंकि मैं अपने दुश्मन विजय से बदला लेना चाहता था। उसने अपनी बहन की शादी मेरे बेटे से करने से इनकार कर दिया था। जो मेरी बेइज्जती उसने मेरे बेटे के सामने की, मेरा बेटा उस बेइज्जती को बर्दाश्त न कर सका, उसने खुदकुशी कर ली। इसलिए मैं भी उससे उसी किस्म का बदला लेना चाहता था। उस बदले के लिए मैंने तुमसे झूठ मूठ की हमदर्दी दिखाई, तुम्हें अपने साथ मिला लिया और तुम्हारे बल पर मैंने ये बदला ले लिया है। आज मेरा प्लान कामयाब हो गया है। उधर विजय की बहन आत्महत्या कर रही है और इधर मेरे बदले की भावना और मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल रही है। आज मैं जीत गया। आज मैं जीत गया। Thank you.
बच्चे आदमी देखकर हाथ उठाया करो। मेरा नाम प्राणलाल है। मुझ पर जो भी हाथ उठते हैं वो हाथ कट कर गिर जाते हैं और जिंदगी खून में डूब कर लाल हो जाती है। समझ गए? आइंदा याद रखना। छोड़कर नहीं जा सकती शोभा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा शोभा। शोभा मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कैसी है शोभा? वो ठीक तो है ना? मेरा मतलब वो बच जाएगी ना? हाँ, अब वो खतरे से बाहर है। ओह थैंक गॉड। सिस्टर, अब आप मिल सकते हैं। थैंक यू शोभा। शोभा 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 मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी देवी जैसी पत्नी पर बहुत संभल किया शोभा, लेकिन आज वो गलतफहमी का अंधेरा मेरी नजरों से हट गया शोभा। मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। आज मैं भी सच्चे दिल से कहता हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शोभा। आई लव यू वेरी मच। जनाब मैं झूठ बोल सकता हूँ, मेरी अक्खा झूठ तो नहीं बोल सकती। ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो गया। अगर कहीं विजय और जैकी आपस में मिल गए तो मेरे तो वो रेत के टुकड़ों की तरह टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेंक देंगे। जॉन सर, क्या बात है सर? प्राणलाल के गुंडे आपके घर में घुसकर भाभी जी, शोभा दीदी और बच्चों को जबरदस्ती उठा के अपने साथ ले गए। तो मुझे मार डालेगा। अगर तूने मुझे नहीं बताया तो मार तुझे मार दूंगा। हाजी अली वाले गोदाम में है जनाब। हाजी अली चाहता तो छह की छह गोलियां तुम्हारे सीने के पार कर सकता था, मगर ऐसा नहीं किया इसलिए कि तुम शोभा के पति हो। लेकिन तुमने और प्राणलाल ने ऐसी घटिया हरकत की है, मेरे बीवी बच्चे को अगवा कर लिया। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, अगवा किया? बोले मत मानो, बताओ कहां है वो लोग? भगवान की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम भाई साहब, मैं यहाँ खुद प्राणलाल से बदला लेने आया था। अगर यकीन नहीं आता तो अपने पिस्तौल की सारी गोलियां मेरे सीने में उतार दीजिए आप। ये सोचने का वक्त नहीं है, मैं जानता हूं प्राणलाल कहां छुपा हुआ है। मेरे साथ चलिए प्लीज।
चलो चलिए। फेंक दो इन खिलौनों को, वरना ये छोटा सा खिलौना मर जाएगा। मैं इसके नरम नरम गोश्त में ये सिगार डुबो दूंगा तो इसकी जिंदगी का चिराग बन जाएगा। मुझे ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा बनाकर मारने की काफी प्रैक्टिस है। फेंक दो, चलो फेंक दो, जिद मत करो, फेंक दो इन खिलौनों को। शाबाश, इसे कहते हैं एक दूसरे के लिए कुर्बानी। एक ने इशारा किया, दूसरे ने रिवॉल्वर फेंक दी। मजा आएगा, पूरे परिवार का एक साथ सफाया करने में मजा आएगा। मेरा बच्चा वापस दे दे। रुक जा, मोम से भी ज्यादा नरम है तेरा बच्चा। ये सिगार स्पेशल है, तेरे बच्चे के जिस्म के आर पार हो जाएगा। नहीं आता? यकीन नहीं आता? तो देख, नमूना देख। बच्चे के जिस्म पर एक भी खराश आए तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आप बताओ, पहले तुम्हारे टुकड़े किए जाएं या जाके तुम्हारे? तू पहले ये बता, मेरी भाभी कहाँ है? भाभी? अरे वाह, रिश्तेदारी का जज्बा तो बढ़ता ही जा रहा है। इसकी पत्नी की ज्यादा फिक्र है तुम्हें, अपनी पत्नी की नहीं? हाँ नहीं नहीं, अपनी पत्नी की भी चिंता जरूर होगी तुम्हें। उसका तो डबल रिश्ता है, वो तेरी पत्नी भी है, इसकी बहन भी है। अभी करवाता हूँ दोनों के दर्शन। देखा विजय, ये है मेरा एक जमाने का सपना कि तू और तेरा पूरा खानदान मेरे सामने यहाँ मौजूद हो एक साथ, ताकि मैं तेरे खानदान के एक एक इंसान का गला काट काट कर उसका खून ऐसे टपकाता रहूं जैसे मोमबत्ती से मोम टपकता रहता है, ताकि मैं तुझसे अपने इकलौते जवान बेटे की आत्महत्या का बदला ले सकूं। किस बात का बदला लेगा तू? अपने बेटे का कातिल तो खुद है, वो इनके कारण नहीं बल्कि तेरी असलियत जानने के बाद उसने अपनी जान दी है। अगर खून ही बहाना है तो अपना खुद का गला काट के बहा। मेरे प्यारे दोस्त विजय, अब मैं तुम्हें एक नमूना दिखाऊंगा कि मैं तेरा और तेरे पूरे खानदान का सफाया एक साथ कैसे करूंगा। देखा देखा, अब तो दूसरा नमूना भी देख रहे हैं। जबरदस्त निशाने बाज है, जहाँ जहाँ निशान लगाए थे बिल्कुल वही निशाना मारा है। तो मेरे दोस्त, अब अपना जिगर थाम ले, अपने दिल को लोहे का बना ले। अब थोड़ी ही देर में अपने पूरे परिवार की खून की होली को देखने के लिए तैयार हो जा। Thank you.
मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, छोड़ मुझे। तुझे मेरे दोस्ती की कसम, मुझे मुझे माफ कर दे। किस दोस्ती की बात कर रहा है कुत्ते? इस सिगार से मेरे बेटे को जलाना चाहता था, अब देख इसी सिगार से मैं तुझे कैसे जलाता हूँ। ले जाओ सब विलन लोगे, ले जाओ लोगो। तेरे बात करूं, इस दुनिया में सिर्फ सच्चाई का सिक्का चलता है, न टकसाल का सिक्का चलता है, न बेईमानी के जंजाल का सिक्का चलता है, सिर्फ प्यार की मिसाल का सिक्का चलता है। दारू, दारू पीना तो बंद कर दिया ना? हा? नहीं सर, अभी तो दारू मेरे को देख के चमकती है, पहले मैं दारू पी के लुढ़कता था, अभी दारू मेरे को देख के लुढ़कती है। हंसो ना सर। भाई मोरी महारानी, जवाब नहीं तो हारे।